फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट आप इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज भी धमाल होने वाला है मैनेजमेंट की तरह। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 आज 10 सितंबर 2021 को जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का एग्जाम के पहले एग्जाम हुआ, उसका लाइव सॉल्यूशन, पूरा फुल डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा, क्या पूछा गया और आखिर वही क्वेश्चंस वहां पे क्यों दिए गए और क्या वह SBT में आएगा। तो हाँ, आप इन सभी का जवाब है हाँ, SBT में वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपको डील करवाए जा रहे हैं। एग्जाम के पहले एग्जाम में किए गए क्वेश्चन सेट को आज फुल डिटेल से सॉल्यूशन करने आए हैं। तो आप लोग फटाफट इस लाइव सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि जो नए लोग आज जुड़े हुए हैं वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अब से जितने भी सॉल्यूशन, चूंकि अभी तीसरा ये लाइव सॉल्यूशन है एग्जाम के पहले एग्जाम का, आने वाले टाइम में सिग्नल का होने वाला है, माइक्रोवेव का होने वाला है। और आपको बताते चलूं कि 12 तारीख को जो एग्जाम के पहले एग्जाम खत्म होने वाला है, उसके बाद लगातार जोरदार तरीके से पूरी तरह से वो जो सॉल्यूशन आएंगे, लाइव सॉल्यूशन आएंगे, कभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और कोशिश किया जा रहा है कि दिन में भी एक लाइव सॉल्यूशन को रखा जाए। तो यहाँ पे पूरा जो डिजिटल 2 का सॉल्यूशन है वो हम आज करवाएंगे एग्जाम के पहले एग्जाम का। और आपको एक चीज और बताते चलें कि इसका जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे मिलेगा। आप स्टोर में जाके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 को 2 पे क्लिक करके ऑल कंटेंट में जाने के बाद वहां से नोट्स में जाके, एग्जाम के पहले एग्जाम के नोट्स में जाके वहां से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे जाके आप वहां से बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो लोग अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वे फटाफट ऐप जाके डाउनलोड करें। आपका ऐप का लिंक पिन कर दिया गया, आप वहां से जरूर जाके डाउनलोड करें। और एग्जाम से पहले एग्जाम में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का क्वेश्चन पूछा गया है आज, उसका फुल डिटेल सॉल्यूशन है। तो एक बार जोरदार तरीके से इस लाइव सेशन को आप जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये लाइव सॉल्यूशन में आपको फुल डिटेल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2, आप मानो जो क्वेश्चंस पूछा गया है उससे लगता यही है कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर आज होने वाला है। तो फटाफट इस लाइव सेशन को आप शेयर कर दीजिए, मैं बहुत कम टाइम के बाद इस लाइव सेशन में क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाला हूं। तो फटाफट इस लाइव सेशन को आप शेयर कर दीजिए। और 8 तारीख से जो एग्जाम के पहले एग्जाम की शुरुआत हुई है, जिसमें 2 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। पहला मैनेजमेंट, जोरदार प्यार मिला आपके तरफ से, और वो मैनेजमेंट का सॉल्यूशन आपको उस टाइम बताया भी कि जो क्वेश्चंस वहां पे डील करवाए गए हैं उसके साथ मैनेजमेंट का स्टोर में जाके द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे कुछ PDF और उपलब्ध है, आप उसको बना लेना। अगर उससे ज्यादा पूछे तो आके बोलना, वही पूछेगा जो वहां स्टोर है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस से ज्यादा तो सवाल पूछेगा नहीं, और बहुत कम समय में वो जो मतलब लाइव सेशन रहा मैनेजमेंट का, वो काफी आगे तक आप लोग लेके गए। उसके बाद कल ही ACS का जो एडवांस कम्युनिकेशन का अभिषेक सर के द्वारा आपको लाइव सेशन दिया गया, तो लगातार 2 एग्जाम हुए एग्जाम के पहले एग्जाम में, और दोनों का सॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से आपके सामने पेश किया गया। तो आज फिर से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का लाइव सॉल्यूशन चल रहा है। तो फटाफट अपने दोस्तों को बता दीजिए जोरदार तरीके से, और मैं उम्मीद करूंगा मैनेजमेंट की तरह ही यहां भी हमको उतना ही प्यार मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के अंदर में। तो आइए शुरुआत करते हैं हम एक एक क्वेश्चंस को लेके। सबसे पहले एग्जाम के पहले एग्जाम का ये रहा आज का क्वेश्चंस, उसी डिजाइन में जिस तरह से मैनेजमेंट और ACS का हुआ था। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आइए फटाफट कम टाइम लेते हुए शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले फिर आज ग्रुप ए में फिर से आज 30 सवाल दिए गए, 20 को टच करने थे। ग्रुप बी के अंदर आज फिर से टोटल 15 क्वेश्चन दिए गए, 5 को अटेम्प्ट करने थे। फिर से ग्रुप सी के अंदर 15 क्वेश्चन लिखे गए, जिसमें 5 को अटेम्प्ट करने थे। बड़ा ही जोरदार, ये ग्रुप ए बी सी, ये 1 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, बड़ा ही जोरदार तरीके से यहां पे 30, 20 और यहां पे 20,
30 20 50 भी 70 आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के तरह एसबीटी बेस्ड एज लाइक एसबीटी बड़ा ही जोरदार तरीके से क्वेश्चन का डिजाइनिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, शुरू करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कहता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या वह प्रीवियस ईयर थे, क्या वह एसबीटी एग्जाम में फिर से रिपीट होंगे, आइए जोरदार तरीके से सीखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला ही क्वेश्चन मल्टीवाइब्रेटर से, पहला ही मल्टीवाइब्रेटर से पूछा एन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, एन अस्टेबल अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर मल्टीवाइब्रेटर हैज, बड़ा ही जोरदार पहला ही क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने है, बोला कि वन अस्टेबल स्टेट, वन अस्टेबल स्टेट। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है वो है नो अस्टेबल स्टेट। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है टू अस्टेबल स्टेट। नेक्स्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज, बड़ा ही जोरदार है। ये चीजें हमेशा पूछी जाती है, शुरुआत के दो तीन क्वेश्चंस आपको मल्टीवाइब्रेटर से मिलेंगे बड़ा जोरदार तरीके से। इस चीज को हम लोग डील करने से पहले, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को डील करने से पहले इसका जवाब कौन होगा, जरा से इस पर बात करते हैं। मल्टीवाइब्रेटर में, मल्टीवाइब्रेटर के अंदर जो हम लोग तीन तरह के टाइप्स को देखे हैं, पहला अस्टेबल, दूसरा मोनो अस्टेबल, तीसरा बाई अस्टेबल, बड़ा ही जोरदार तीनों से सवाल पूछता है, ये तीनों से सवाल पूछेगा आपको। शुरुआत के दो तीन क्वेश्चंस बार बार आपको मल्टीवाइब्रेटर से मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर हम लोग इसमें अस्टेबल स्टेट की बात करें, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चंस को बनाना बहुत इजी हो जाएगा। अस्टेबल स्टेट की बात करें तो अस्टेबल में नो अस्टेबल स्टेट होता है, कभी कभी जीरो भी लिखता है। मोनो स्टेबल में अगर स्टेबल स्टेट की हम लोग बात करते हैं तो वह होता है वन, और बाई स्टेबल में स्टेबल स्टेट की बात करते हैं तो वह होता है टू। अगर स्टेबल स्टेट से सवाल पूछेगा मल्टीवाइब्रेटर के टाइप्स से, तो अस्टेबल नो, मोनो स्टेबल वन और बाई स्टेबल टू। एक ट्रिगरिंग से भी यहां से सवाल पूछा जाता है, मैं यहीं पर नोट डाउन कर देता हूं उस चीज को, ट्रिगर इनपुट से सवाल पूछा जाता है। अगर ट्रिगर इनपुट की बात करें, ट्रिगरिंग इनपुट की अस्टेबल के केस में, तो वह होता है जीरो, कोई ट्रिगरिंग पल्स इनपुट में अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरा, अगर हम लोग मोनो अस्टेबल की बात करते हैं तो इसमें होता है वन, और अगर हम लोग बाई स्टेबल की बात करते हैं तो इसमें होता है टू। बड़ा ही शानदार, ये ट्रिगरिंग इनपुट से भी सवाल पूछता है, आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा दोस्त, ये बड़ा ही जोरदार तरीके का कॉन्सेप्ट है। तीसरा आपको जो सवाल पूछा जाता है, तीसरा जो सवाल यहां से पूछा जाता है, स्टेबल स्टेट, ट्रिगरिंग इनपुट और क्वासी स्टेबल स्टेट, क्वासी स्टेबल स्टेट, बड़ा ही शानदार दोस्त, ये बड़ा ही जोरदार है। क्वासी स्टेबल स्टेट से अगर सवाल पूछे कि ए स्टेबल में कितना क्वासी स्टेबल स्टेट होता है, तो वह होता है टू, और अगर मोनो स्टेबल की बात पूछे तो वह होता है वन, और अगर क्वासी स्टेबल स्टेट बाई स्टेबल में पूछे तो वह होता है जीरो। बड़ा ही शानदार, स्क्रीनशॉट जबरदस्त तरीके से आप कर लेना इसको, क्योंकि यही सवाल, इस तरह के सवाल ही रिपीटेड सवाल होते हैं, और एक दो तीन के सवाल जो होते हैं अगर मल्टीवाइब्रेटर से पूछा तो यही से उठाया जाता है। अब क्या बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, पूछो एन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज वन अस्टेबल स्टेट, नहीं नो अस्टेबल स्टेट, यस सेकेंड आंसर, अस्टेबल में अस्टेबल स्टेट होता है नो, पूछा है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वन अस्टेबल स्टेट, नहीं नो अस्टेबल स्टेट, सही टू, नहीं नन ऑफ दिस, नहीं आंसर टू। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, बी इसका सही आंसर होगा। मैं तो तीन क्वेश्चन यहां से मल्टीवाइब्रेटर से पूछा गया, इसको इसलिए यहीं पर छोड़ता हूं, चूंकि आपको दिखाना है ये चीजें, आपको यह दिखाना है कि क्या सच में इससे सवाल पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार, दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है द मल्टीवाइब्रेटर विच जेनरेट्स अस्क्वायर वेव इज खाली जगह मल्टीवाइब्रेटर।
ये कौन सा मल्टीवाइब्रेटर है जो स्क्वायर वेव को जेनरेट करता है ओन इटसेल्फ। सेकेंड नंबर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने है पहला, वो है पहला ऑप्शन यहाँ पे डिजाइन किया गया है वो है मोनो स्टेबल। आप लोग जोरदार तरीके से इसका आंसर कीजिए लाइव चैट बॉक्स में। दूसरा बाई स्टेबल, तीसरा अस्टेबल, डी None of this। बड़ा ही जोरदार ये क्वेश्चन है, बताइए स्क्वायर वेव जनरेटर, कौन करता है, कौन मल्टीवाइब्रेटर, तो अस्टेबल। कौन करता है अस्टेबल, सी अस्टेबल स्क्वायर वेव जनरेटर। दोस्त एक बात बताते चलूं आपको, एक चीज बताते चल रहा हूं, आप जब एग्जाम के पहले एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने जाना डिजिटल टू पे, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन नाम से एक फोल्डर बना हुआ दोस्त, आप उसको एक बार जरूर क्लिक करके देखना। इस तरह के सेशंस को उसमें रखा गया था, एक बार मल्टी वाइब्रेटर प्रीवियस ईयर सवाल के नाम से एक वहां पे वीडियो उपलब्ध है, एक वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध है, चूंकि वो लाइव चला था रिकॉर्ड होकर उस पर हमने अपलोड किया था, उसको आप देख लेना। मल्टी वाइब्रेटर से कुछ भी पूछे आपको क्वेश्चंस बनेंगे दोस्त, उसको जरूर कर लेना आप। क्यों, आप ऐप पे जाना, वहां से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टू जहां से एग्जाम के पहले एग्जाम क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हो आप, वहीं पे एक फोल्डर बना हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के नाम से, क्लिक कर देना दोस्त, उसके सारे वीडियो को देख लेना, ऑब्जेक्टिव का सवाल जोरदार तरीके से सोल्व होंगे। और मैंने पहले 5 साल का जो प्रीवियस ईयर करवाया था उससे भी सवाल आपको वहां पूछे जाएंगे दोस्त, आप एक बार जरूर देख के जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे बात करते हैं, सेकेंड का क्या होगा अस्टेबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे बात करते हैं, 30 क्वेश्चन का अरेंजमेंट है दोस्त, फटाफट हम लोग इस 30 क्वेश्चन को करेंगे ग्रुप ए का, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम जोरदार तरीके से बात करते हैं, चलिए इसको अब इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप कॉपी में नोट किए होंगे। क्यों, क्योंकि मोबाइल में तो आपका पीडीएफ 1000 भरा हुआ है फोटो, आप उसको पढ़ नहीं पाते होंगे, चलिए कॉपी में नोट कीजिए, बड़ा ही शानदार है, लिखने का प्रयास जरूर कीजिए आप। मैं एक बात और बताना चाहता हूं उन लोगों को जो लोग डर रहे हैं इस एग्जाम से कि हम तो फेल हो जाएंगे, कैरी लग जाएगा, तो दोस्त मैं एक बार फिर बोला था 80-20 प्रिंसिपल अपना लेना, आप बहुत आगे तक जाओगे, आपको एग्जाम में डर नहीं लगेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन थर्ड, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन तीसरा नंबर पूछा है विच इज फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, तीसरा बड़ा ही शानदार पूछा है, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर के नाम से किसे जाना जाता है, मल्टी वाइब्रेटर, बड़ा ही शानदार पूछा दोस्त, ये लाजवाब क्वेश्चन, यही से 3 क्वेश्चन उठाता है। फ्री रनिंग किसको बोला जाता है, ऑप्शन पहले मैं आपके सामने नोट करना चाहूंगा अस्टेबल, दूसरा आपसे पूछा है मोनो अस्टेबल बोला, तीसरा आपसे बोला वो बोला है बाई स्टेबल, तीसरा बोला बाई स्टेबल, और डी बोला आपसे नन ऑफ दिस, क्या बोला नन ऑफ दिस, बड़ा ही शानदार। आप लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, यहां से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। मैं इस क्वेश्चंस को बताने से पहले अगर हम लोग आल्सो नोन एज पे बात करें तो सबसे पहला है अस्टेबल, दूसरा है मोनो अस्टेबल और तीसरा आपके सामने है बाई स्टेबल, क्या है बाई स्टेबल। अगर हम लोग आल्सो नोन की बात करें तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग फ्री रनिंग के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, दूसरा मोनो स्टेबल को वन शॉट के नाम से जानते हैं, तीसरा बाई स्टेबल, और बाई स्टेबल को हम लोग फ्लिप फ्लॉप सर्किट के नाम से जानते हैं। और इसमें एक बात और बताते मैं चलूं, यहां पे ये लाइक एज मेमोरी की तरह बिहेव करता है, क्यों, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, बड़ा जोरदार स्क्रीनशॉट लिख लेना, ए स्टेबल फ्री रनिंग पूछेगा, मोनो स्टेबल वन शॉट, बाई स्टेबल फ्लिप फ्लॉप सर्किट मेमोरी की तरह बिहेव करता है। प्रीवियस ईयर का सवाल मेमोरी वाला में कॉन्सेप्ट पूछा था बाई स्टेबल का, अब क्या बताना है आंसर, अब तो खुद कर लोगे आप आंसर, फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर कौन होगा, मोनो
स्टेबल नहीं, ये क्या होगा वन शॉट, ये क्या होगा वन शॉट, क्या बाय स्टेबल नहीं, फ्लिप फ्लॉप सर्किट, फ्लिप फ्लॉप सर्किट, क्या नन ऑफ दीज होगा, अभी रखते हैं पेंडिंग में, ए स्टेबल फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, ए ऑप्शन नंबर ए, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्त एक बात जो भी बोला जा रहा है वो समझ लीजिए आप कि आपके एग्जाम की बातें की जा रही है, इसलिए हर एक उस पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लेना जो मैं साइड में आपको बता रहा हूं, यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बड़ा ही जोरदार है दोस्त, इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, क्या पूछा है, क्या पूछा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पूछा आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एक्ट एज बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कौन है एक्ट करता है। यहां से देखिए आपके पास ऑप्शन दिया था अस्कीमिट ट्रिगर यहां से ऑप्शन किया, यहां से पूछा बी 555 टाइमर, सी ऑप्शन आपके सामने पूछा ट्रांजिस्टर, डी ऑप्शन आपके सामने रहा वो था नन ऑफ दिस, कौन सा आंसर होगा। देखिए बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के केस में यहां पे 555 टाइमर क्या होगा, 555 टाइमर, मतलब क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन क्या होगा बी 555 टाइमर, क्या होगा 555 टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर के बाद हम लोग फाइव नंबर पे चलते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बार बार इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है उस पर हम लोग जरा सा बात करते हैं, ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर चुके होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अब हम लोग बात करेंगे। फाइव नंबर, हमारे पास क्वेश्चंस बहुत हैं इसलिए हम बड़ा जोरदार तरीके से इस सेशन को आगे तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे फाइव नंबर क्वेश्चंस कहा इन, ये क्वेश्चन शानदार, इन रीजन, यहां से दो सवाल पूछे जाते हैं, इन रीजन ट्रांजिस्टर इज स्विच ऑफ, यहां से बड़ा ही जोरदार पूछा, ऑप्शन आपके सामने दिया पहला दिया सेचुरेशन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया वो दिया कट ऑफ, तीसरा आपके सामने दिया वो दिया एक्टिव, और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिया नन ऑफ दिस। बड़ा ही शानदार है दोस्त, इस क्वेश्चंस को भी बनाना, और इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट जड़ा से जरूर होना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं कि स्विच ऑफ, मतलब आपके दिमाग में एक चीज आया होगा स्विच, क्या आया होगा स्विच, और स्विच का कॉन्सेप्ट देखे तो ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन ही है, क्या है ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन, क्या है ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन, क्या है तो ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन दो तरह का है, पहला तो वो एम्प्लीफिकेशन करता है और दूसरा स्विच की तरह बिहेव करता है। अब ये ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग यहां पे लिख सकते हैं, ये दोनों रीजन में वर्क होते हैं, और कौन कौन से रीजन में वर्क होते हैं उस पर जरा सा बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन जोरदार तरीके से बनेगा। हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर रीजन, यहां से क्या लिख रहे हैं ट्रांजिस्टर का रीजन, और ट्रांजिस्टर रीजन कहने का मतलब क्या हुआ, पहला अगर हम लोग बात करें तो सेचुरेशन, क्या होगा सेचुरेशन, दूसरा कट ऑफ रीजन, तीसरा एक्टिव रीजन, फोर्थ इनवर्स एक्टिव। ये बड़ा ही जोरदार है कि ट्रांजिस्टर का रीजन समझना, तभी तो यहां से हम बना सकते हैं, यहां से बोला सेचुरेशन रीजन इस स्विचिंग देगा, पर सेचुरेशन रीजन के केस में ट्रांजिस्टर ऑन स्विच देगा,
दूसरा कट ऑफ, ये स्विचिंग देगा, क्या देगा, स्विचिंग देगा पर ऑफ स्विच देगा। एक्टिव एम्पलीफिकेशन देगा, एम्पलीफिकेशन देगा। और नेक्स्ट इनवर्स एक्टिव में उल्टा होता है, डार्लिंगटन एम्पलीफिकेट, डार्लिंगटन एम्पलीफायर में ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां से ये इनवर्स एक्टिव का कॉन्सेप्ट है। अब यहां से आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर रीजन में काम करता है सेचुरेशन, कट ऑफ एक्टिव इनवर्स एक्टिव। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो एम्पलीफिकेशन स्विचिंग, लेकिन स्विचिंग दो रीजन में काम करता है, सेचुरेशन कट ऑफ, और सेचुरेशन में स्विचिंग ऑन करता है, कट ऑफ में स्विच ऑफ करता है। एक्टिव में एम्पलीफिकेशन देता है, इनवर्स एक्टिव में डार्लिंगटन एम्पलीफायर में भी यूज किया जाता है। अब यहां से हम लोग सीखेंगे कि इन कौन सा रीजन की बात कर रहा है, ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ। अब क्या बताने की जरूरत है, स्विच ऑफ देखेंगे, कट ऑफ, कट ऑफ सेचुरेशन नहीं, एक्टिव नहीं, नॉट नहीं, कट ऑफ बी। कौन सा आंसर सही होगा इसका, बी। कौन सा आंसर सही होगा, बी। देख रहे हैं, टीक नहीं लगाना दोस्त, डील करना है, टीक नहीं लगाना दोस्त, डील करना है। इस चीज को आप मानो, इस चीज को आप समझो, कट ऑफ बी। फाइव का आंसर क्या होगा, बी। बड़ा ही जोरदार, बड़ा ही जोरदार, कट ऑफ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग सिक्स नंबर पे चलेंगे। आपको एक चीज बताते चलूं मैं, आपको एक चीज मैं बताते चलूं, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि हम अभी जो चीजें पढ़ रहे हैं वो क्या एग्जाम में आएंगे। तो यस, यही आपके सिलेबस से ज्यादा वो क्यों पूछेगा, बताइए आप। तो इस चीज को आप समझो। मैं उन लोगों के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो बार बार ये चीजें बोल रहे हैं या कॉल करके मैसेज करके, सर मेरा तैयारी नहीं हो पाया है। तो दोस्त मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपको ये चीजें एग्जाम हॉल के पहले जाते जाते तक लगता है कि मेरा तो कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, हमको कुछ याद नहीं है। पर जब आप एग्जाम देने बैठते हो ना, क्वेश्चंस पेपर ऐसे मिलते हैं और आपके पेज ना, तो आप लिख सकते हो। और कब लिख सकते हो दोस्त, जब कभी ना कभी उस चीज के बारे में एक बार आप जरूर पढ़े होंगे, उसके बारे में आप जरूर सोच रहे होंगे, तभी लिख सकते हो। अदरवाइज इम्पॉसिबल है उस चीज के बारे में लिखना। अब बताओ, अगर आप कभी हाथी के बारे में कुछ सुने ही नहीं थे और आपको एग्जाम के पेपर में आया कि हाथी पे निबंध लिखो, क्या आप लिख सकते हो, नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो आप हाथी को कभी देखा था आपने, ना उसके बारे में कभी पढ़ा था, ना समझा था उन चीजों के बारे में, तो हम नहीं लिख सकते हैं। यही चीजें हैं, अगर हम इस चीज के बारे में समझेंगे ही नहीं, कभी हमें दिखा ही नहीं, तो वो नया होगा मेरे लिए। और दोस्त यही तो हम गलती करते हैं, जब उस चीज को देखा भी नहीं है हमने, फिर भी हम उस चीज पे दिमाग लगाते हैं तो नंबर कट जाएगा ही। इसलिए एक बार जरूर हम बोलना चाहेंगे फिर से जोरदार तरीके से, आप क्वेश्चंस करो। जितने लाइव सेशन चलाए जा रहे हैं एक बार उसको अटेम्प्ट करके देखो, आपको क्वेश्चन जरूर वो दिखेगा, आप उसी क्वेश्चंस के चलते पढ़ोगे, और जब वो पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस बनेगा ही। एक बात और मैं लास्ट, इसके बाद सिक्स नंबर पे चलूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक जाके आज 20 रुपए वाला कॉपी खरीद लेना, जाके 20 रुपए वाला कॉपी खरीद लेना, डिजिटल के लिए अलग, एडवांस के लिए अलग, इसके बाद माइक्रोवेव के लिए अलग, सिग्नल के लिए अलग, मैनेजमेंट के लिए अलग, और जितने ऐप्स पे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट उपलब्ध हैं या जितने भी आपको लाइव सेशन में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं दोस्त, उसको लिख लेना उस कॉपी के सबसे शुरुआत पेज पे, पूछेगा तो यही, लिख लेना पूछेगा तो यही, और सारे क्वेश्चंस को आप डील कर लेना, जो नहीं आएगा आप कमेंट कर देना, हम उसका आंसर जरूर बताएंगे। आप उसको एक बार नोट की तरह बना लेना, वो 20 रुपया का जो कॉपी आप लेके आओगे, 20 रुपया का कॉपी, उसमें सारा क्वेश्चंस का नोट आप बना लेना। नोट्स करने का मतलब क्या हुआ कि हर एक क्वेश्चंस को ऊपर में लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ उसका आंसर यहां डील करो। मैं बता देता हूं दोस्त, ये क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक, और वह क्वेश्चन बैंक जो 110% गारंटी देगा कि पूछेगा वही जो आप बना और पढ़ रहे हो। और एक बात और,
आप जो जाके एग्जाम सेंटर पे पहले से ही पेड़ के नीचे इधर उधर 6 बजे जाके पढ़ने लगते हो, वो जरूरत वो नौबत नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो इस कॉपी को पढ़ो, क्वेश्चन और उसका आंसर देख के जाना, आपको 100% वहां आप लिख के आओगे। आप बताओगे कि नहीं, एक टीचर था जो तब पॉलिटेक्निक के प्लेटफॉर्म से चिल्ला रहा था कि इसको कर लो, इस तरह से आपको फायदा होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आप इस चीज को करो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आपके लिए जो मैं टाइम दे रहा हूं, आप मेरे लिए टाइम दे रहे हैं इस लाइव सेशन में जुड़ के, इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं हमें, तो मुझे चाहिए आपका मार्क्स में इंक्रीजमेंट। और इसलिए आपको यह काम करने की सलाह मैं अपने तरफ से दे रहा हूं। तो जोरदार मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये चीजें करेंगे, और जो जो ये चीज करने वाले हैं इस कॉपी में, इस कॉपी को ले लेके हर एक सब्जेक्ट में, वो जोरदार तरीके से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ मैं करूंगा। मैं उनको तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं यहीं से, जो लोग कमेंट कर रहे हैं या कर रहे हैं। चलिए यहां से 20 रुपया वाला सॉरी कॉपी लेना है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट 6, ये बड़ा ही जोरदार है दोस्त, ये कॉपी का कॉन्सेप्ट बहुत ही जोरदार है। आप जो चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बैंक मांगते हो, खरीदते हो, उससे काफी ज्यादा बढ़िया है। एक बार करके देखो, करके देख लो, कभी नहीं किए होंगे इस चीज को। चलिए 6, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार पूछा कि क्लैंपर सर्किट कंसिस्ट ऑफ, सेकेंड यूनिट से उठाया हुआ यह सवाल कि क्लैंपर सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट से उठाया हुआ यह सवाल। पहला ऑप्शन आपके सामने है कैपेसिटर, बी डायोड, तीसरा रजिस्टर, फोर्थ ऑल ऑफ द एवव। ये बड़ा ही शानदार है दोस्त, पूछता है क्लैंपर सर्किट के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या कंसिस्ट होते हैं। तो यहां से हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। आइए, क्लैंपर सर्किट के अंदर अगर हम कंसिस्ट होने की बात करते हैं, तो आपको एक सर्किट बनाते हैं। यहां से आप उस चीज को समझ सकिएगा कि इसके अंदर में क्या क्या कंसिस्ट है। देखिए, यहां से हम एक सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं, यहां से हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। ये आपका हम कलर कर देते हैं, ये डायोड रहा, यहां से हम एक सर्किट बना रहे हैं बड़ा ही जोरदार। इस चीज को आप समझो कि जो चीजें कही जा रही है क्या वो सही है। अगर हम लोग इस सर्किट की बात करें, ये सी लिख देते हैं, ये D1 लिख देते हैं, C1 R1 लिख देते हैं, यहां से हम लोग आप वोल्टेज की बात कर रहे हैं, यहां से ये बड़ा ही जोरदार। अब आप बताओ यह जो सर्किट है वो किसका है। सवाल आपसे आगे में इस तरह से भी पूछा है, मैं क्लियर कर रहा हूं अबाउट, ये 10 नंबर का सवाल है दोस्त, यहीं से 10 नंबर का सवाल। बताओ, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा सवाल क्लियर हो रहा है। पूछा क्लैंपर सर्किट में होता क्या है, तो दोस्त बता दूं, कैपेसिटर भी, डायोड भी और रजिस्टर भी। ये किसका सर्किट है, तो ये क्लैंपर का सर्किट है, बड़ा ही जोरदार। क्लैंपर सर्किट कंसिस्ट कैपेसिटर डायोड रजिस्टर ऑल ऑफ द अबव, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 6 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, यही से बताते चलूं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लैंपर सर्किट के अंदर में कंसिस्ट करते हैं कैपेसिटर डायोड रजिस्टर ऑल ऑफ द अबव। कसम खाओ, याद रखोगे, वेव शेपिंग सर्किट की अगर हम लोग बात करते हैं कि वेव शेपिंग सर्किट कौन कौन होता है, तो दो चीज आप सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़े होंगे, क्लिपर, और दूसरा आप लोग पढ़े होंगे क्लैंपर। क्या पढ़े होंगे? क्लैंपर। ये दोनों क्या है, तो वेव शेपिंग सर्किट है, वेव शेपिंग सर्किट। ये बड़ा ही जोरदार, इस चीज को आप याद रखो, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, क्लैंपर सर्किट कंसिस्ट करता है कैपेसिटर डायोड और रजिस्टर ऑल ऑफ द अबव, डी, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर पे चलेंगे, की ओर चलेंगे। बड़ा ही शानदार तरीके से यह सेशन को आगे लेके जाया जा रहा है। आप जोरदार तरीके से इस लाइव सेशन को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास, अपने कॉलेज ग्रुप में, जिससे कि आपको भी फायदा हो, आपके दोस्त को भी फायदा हो, और वो आपका नाम कभी नहीं भूले कि आप एक वीडियो सेंड किया था तुम, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ गया। नहीं,
हम उसी को पढ़ के पास कर गए नहीं, तो ये चीजें सही है। इस चीज को आप कर सकते हो और आप लोग एक कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आप लोग किस कॉलेज से अभी ज्वाइन है, किस डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन है, ये जरूर कमेंट करके बताएं। और बताएं कि ये लाइव सेशन आपको कैसा लग रहा है। आपका एक लाइव चैट बॉक्स में कमेंट हमें काफी मोटिवेट करता है, एनर्जेटिक देता है और हमें और भी एनर्जी देता है कि आपके लिए और भी इस तरह के सेशन को लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डिवाइस। इसमें से पूछा 7 नंबर क्वेश्चन पूछा कि इनमें से बताइए लीनियर डिवाइस, क्या पूछा लीनियर डिवाइस कौन है। पहला क्लिपर, पहला दिया क्लिपर, दूसरा दिया क्लिपर, दूसरा दिया इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर, सी ऑप्शन दिया है डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर, फोर्थ ऑप्शन दिया है बोथ, बोथ बी एंड सी। देखिए दोस्त, एक चीज आप काम कीजिएगा कि ये जो 7 नंबर क्वेश्चंस है इसका जो आपको पीडीएफ अपलोड किया गया है लाइव सेशन के बाद अपलोड जो आप देखिएगा, तो वहां पे एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। 7 नंबर क्वेश्चंस के अंदर ये बोथ ए और बी लिख दिया गया है, पर वहां पे आप बी और सी जरूर कर लीजिएगा, उसी तरह से आप बनाएगा। उस वीडियो को एक बार देखिएगा तो आपको पता भी ही चल जाएगा। देखिए लीनियर डिवाइस की बात पूछेगा तो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी एंड सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी होगा दोस्त। आप इसको एक बार जरूर करेक्शन उसमें कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में ए एंड बी लिखा गया है, आप उस चीज को एक बार जरूर क्लियर कर लीजिएगा दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहां से बी सी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ डायोड, किसमें डायोड की जरूरत होती है, रिक्वायर्स अ डायोड। पहला ऑप्शन दिया इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया वो दिया क्लिपर, और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिया वो दिया नोट। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ डायोड। देखिए अगर रिक्वायर्स डायोड की बात करते हैं, वेव शेपिंग सर्किट दोनों है, कौन कौन, दोनों है क्लिपर, हम बार बार बोल रहे हैं, देखिए क्लिपर और क्या है क्लैंपर, क्या है क्लैंपर। और अगर डायोड की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो क्लिपर के अंदर में भी रिक्वायर्स होता है क्या, डायोड और क्लैंपर। अभी अभी आप लोग देखे हैं क्लैंपर के अंदर, अभी अभी आप लोग देखे हैं क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, अ कैपेसिटर, कैपेसिटर, और डायोड, और डायोड और रजिस्टर, ये तीन चीजें इसके अंदर में है। किसके अंदर में, क्लैंपर के अंदर में वेव शेपिंग सर्किट है, क्लिपर के अंदर में भी रिक्वायर्ड होता है किसका, डायोड का। इसलिए 8 का आंसर सी सही होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। 9th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, बड़ा ही शानदार है दोस्त। आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो इसको हम बना पा रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं तो रिवीजन जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे बात करते हैं। हाँ देखिए बड़ा ही शानदार, हम अभी बार बार चिल्ला रहा है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेव शेपिंग सर्किट, इनमें से कौन है जो वेव शेपिंग सर्किट है, वेव शेपिंग सर्किट इनमें से कौन है। पहला आपके सामने ऑप्शन दिया क्लैंपर, पहला ऑप्शन आपके सामने दिया क्लैंपर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया क्लिपर, अब तीसरा तो आप खुद जान रहे होंगे क्योंकि दोनों है, तो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन दिया हमको नहीं पता है, नन ऑफ दिस। बताइए बताइए इनमें से वेव शेपिंग सर्किट कौन है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्लैंपर भी होगा क्लिपर भी होगा, इसलिए बोथ ए एंड बी सी, 9th का आंसर सी, सी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th, सी का आंसर 9th, सी आंसर होगा 9th का। नेक्स्ट यहां पे ये सवाल हम अभी अभी बताए थे, 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चंस में आपको एक सर्किट डिजाइन करके दिया गया है, जैसे ये सर्किट ऐसे दिया गया, अभी अभी हम इस सर्किट को बनाए थे, अभी अभी इस सर्किट को हम पूरा किया था हमने, यहां से ऐसे डायोड दिया हुआ था, यहां से एक रजिस्टर लगा हुआ था, यहां से एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये डी वन, ये सी वन, ये आर वन, यहां से वोल्टेज। चलिए तो बताइए कि यह किसका, ये लिखा है कि दिस सर्किट डायग्राम ऑफ किसका है, ऑप्शन आपके पास दिया है क्लैंपर, आप लोग कमेंट करो किसका है, दूसरा
क्लिपर, अभी अभी बताया है, तीसरा इंटीग्रेटर, फोर्थ डिफरेंशिएटर, बताइए किसका है, बताइए, ये बताने की जरूरत है नहीं। टेंथ नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा तो बताइए आप लोग फटाफट बताइए, जिसमें कैपेसिटर, डायोड और रजिस्टर हो, कौन होगा? क्लैंपर। कौन होगा जी? क्लैंपर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 10 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 10 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्लैंपर। नेक्स्ट 11 नंबर पे हम लोग बात करेंगे, 11 नंबर पे हम लोग बात करेंगे, 11 नंबर बड़ा ही जोरदार, इस चीज को समझने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप इस लाइव सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, आप इस लाइव सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये लाइव सेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये लाइव सेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये जरूरी भी है, आप इस चीज को समझे जरूर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर पे हम लोग बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशिएटर के अंदर क्या क्या होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएटर कंसिस्ट ऑफ, डिफरेंशिएटर कंसिस्ट ऑफ क्या कंसिस्ट करता है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, पहला रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया है ओपैम्प, तीसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है, तीसरा कैपेसिटर, क्या दिया हुआ है? कैपेसिटर, और डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चंस है, डिफरेंशिएटर की अगर बात करें तो रजिस्टर भी होता है, ओपैम्प भी, कैपेसिटर भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा। नेक्स्ट 11th के बाद 12th पे बात करते हैं, बड़ा ही शानदार मेमोरी से सवाल पूछा कि मैग्नेटिक टेप्स वेव यूज्ड टू रिकॉर्ड, बड़ा ही शानदार पूछा है। ऑप्शन ए आपके सामने दिया साउंड को, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया वीडियो को, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया कंप्यूटर डेटा को, क्या दिया? कंप्यूटर डेटा को, और लास्ट ऑप्शन आपके सामने दिया है कि सारे को, ऑल ऑफ द एवर। ये बड़ा ही शानदार है 12 नंबर का क्वेश्चन। मैग्नेटिक टेप की जो हम बात करते हैं, मैग्नेटिक टेप आप देखे होंगे रील्स, जिसको आप कैसेट के नाम से जानते हैं, पूछ रहा है कि मैग्नेटिक टेप वेव यूज टू रिकॉर्ड, किसको रिकॉर्ड करता है? साउंड को भी, वीडियो को भी, कंप्यूटर डेटा को भी करता है, यस करता है। तो यहां से ऑल ऑफ द अबव, इसका 12 का आंसर डी सही होगा। आप एक बार जरूर क्या कमेंट करके हमें जरूर आप बताएं कि आप कहां से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस कॉलेज से हैं, आप एक कमेंट जरूर हमें करें, जिससे हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम देख पाए कि आप कहां कहां से ज्वाइन है इसमें, ठीक है। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस बोलता है ट्रैक एंड सेक्टर इज रिलेटेड टू, बहुत बार इससे पहले भी जो 5 साल का प्रीवियस ईयर चला था उसमें भी इस तरह के सवाल थे, ट्रैक एंड सेक्टर इज रिलेटेड टू, ट्रैक और सेक्टर रिलेटेड है। पहला दिया हार्ड डिस्क से, दूसरा दिया रैम से, दूसरा रैम, तीसरा रोम, नेक्स्ट लास्ट दिया डी ऑप्शन, वो दिया ट्रांजिस्टर। बताओ किससे ट्रैक एंड सेक्टर रिलेटेड है? तो ट्रैक एंड सेक्टर की अगर हम लोग बात करना चाहे तो आप हार्ड डिस्क के अंदर देखे होंगे ट्रैक एंड सेक्टर का कॉन्सेप्ट, इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर जो बनाया जाता है यहां से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग देखे थे वहां पे, तो ट्रैक एंड सेक्टर रिलेटेड करता है किससे? हार्ड डिस्क से। ट्रैक एंड सेक्टर किससे रिलेट करता है? हार्ड डिस्क से। आप इस चीज को याद रखना, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ए सही आंसर होगा। और आपको बताते चले, जितने भी एग्जाम का जो लाइव सॉल्यूशन मिल रहा है उसका वीडियो रिकॉर्डेड आपके लिए उपलब्ध है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया गया है, तो आप उसका रिवीजन भी जरूर करते रहें, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि
फिर से एक टाइम मैनेजमेंट का 5 से 6 इयर्स का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन लेके ऑब्जेक्टिव आऊं, तो मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं इस चीज पे। अगर वो चीजें होती है तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा, तो इस चीज पे मैं फोकस करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आप बाकी का जो प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन उपलब्ध है या जो एग्जाम के पहले एग्जाम का लाइव सॉल्यूशन इस तरह से हो रहा है, तो जो भी पहले लाइव सॉल्यूशन हो चुका है जैसे ACS का, मैनेजमेंट का, उसका आप जरूर रिवीजन करते रहें। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन कहता है आईसी से सवाल 74-150 बोलता है ऑप्शन ए 16-1 marks, दूसरा 4-1 marks, तीसरा ऑप्शन बोलता है आपके सामने 2-1 marks, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है 32-1 marks। देखिए आईसी से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसको हल्का याद करना जरूरी होता है उस चीज को समझ के। अगर आईसी से सवाल पूछता है मल्टीप्लेक्सर कौन है, डीमल्टीप्लेक्सर कौन है, डिकोडर 2-4 line डिकोडर क्या है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आईसी 74-150 की बात करें तो मार्क्स है, लेकिन कौन है 16-1 marks, कौन है 16-1 marks है 74-150 आईसी इंटीग्रेटेड चिप 74-150 74-150 16:1 marks है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये बड़ा ही जोरदार, ये रैम से सवाल पूछा कि डी रैम यूजेस डायनेमिक रैम यूजेस फिल इन द ब्लैंक्स एज अ स्टोरेज एलिमेंट्स। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। आपके सामने ऑप्शन रखा है, आप बता सकते हो, आप लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कैपेसिटर्स, बी रजिस्टर्स, सी पूछा आपसे इंडक्टर्स, और लास्ट ऑप्शन आपके सामने है ट्रांसफॉर्मर। क्या है? ट्रांसफॉर्मर। आप जोरदार तरीके से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ डी रैम यूजेज एज अ स्टोरेज एलिमेंट। हम बताए थे इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि जो रैम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका दो टाइप है, कौन, एक एस रैम और दूसरा डी रैम। और इस केस में हमने बताया था कि डी रैम के अंदर में स्टोरेज एलिमेंट के रूप में कैपेसिटर का यूज किया जाता है। किसका? कैपेसिटर का। डी रैम में, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में यूज किया जाता है कैपेसिटर का। क्यों? स्टोरेज एलिमेंट में, क्योंकि यह चार्ज को स्टोर करता है। किसको? चार्ज को स्टोर करता है। तो डी रैम के अंदर कभी भी पूछे स्टोरेज एलिमेंट या कैपेसिटर का यूज क्यों किया जाता है, तो स्टोरेज एलिमेंट के रूप में। इसका आंसर 15 का आंसर होगा ए। 15 का आंसर कौन होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आईसी से 16 नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोग बात कर रहे थे आईसी का, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीमक्स आईसी, इसमें से डी मल्टीप्लेक्सर आईसी कौन है। ऑप्शन आपके सामने दिया 74-139, दूसरा 74-156, तीसरा दिया 74-151 और डी दिया both A and B। देखो दोस्त, हम इसके पहले के लाइव सेशन में भी इससे क्वेश्चन करवाए गए हैं। अगर हम लोग बात करें डीमक्स आईसी की इनमें से, तो 74-139 भी है, 74-156 भी है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन होगा? डी। 16 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन क्या होगा? डी, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी मतलब 74-139 और 74-156, दोनों इसका आंसर होगा 16 का डी। बड़ा ही जोरदार। आपको बताते चले कि इस तरह के लाइव सॉल्यूशन से आपको क्या फायदा होने वाला है, तो आपका रिवीजन, आप क्वेश्चन देख सको, इस तरह से क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर पे, और बड़ा ही जोरदार 17 नंबर का कॉन्सेप्ट पूछा है। आइए 17 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं।
आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं सारा चीज जो लिखा जा रहा है वो आपके पास सही से पहुंच रहा है, कोई दिक्कत है तो आप बताएं, जरूर हमारी टीम इंप्रूवमेंट लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन, सीपीयू और मेमोरी दोनों मिला के सवाल पूछा। 17 नंबर पूछता है कि द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली सीपीयू, कौन है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू से, कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने दिया, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिया रैम, दूसरा दिया रोम, तीसरा ऑप्शन दिया आपके सामने मेन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मेन मेमोरी, और लास्ट ऑप्शन आपके सामने दिया हमको नहीं पता, नन ऑफ दिस। डायरेक्टली कम्युनिकेट कौन करता है, कौन मेमोरी सीपीयू से करता है, तो जरा सा कंप्यूटर से सवाल। तो सीपीयू से अगर सवाल पूछे तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग और यू से यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, ALU इसका मतलब अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, इसका मतलब CU कंट्रोल यूनिट, और MU मेमोरी यूनिट। हम जो भी डेटा के साथ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जैसे 2+3, तो डेटा के साथ इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जब जाता है सीपीयू के पास तो सीपीयू में भी ALU है, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, इसके अंदर में CU है और CU के साथ MU लगा हुआ है, क्योंकि कंट्रोल के साथ कुछ स्टोर भी करेगा, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए उस चीज का कि हम उस डेटा को एग्जीक्यूट करवा पाए, उसका एक प्रोसेसिंग हो, और सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट, दिल, ब्रेन सब चीज कहा जाता है। इसके बिना कंप्यूटर एक खिलौना है, टॉय है, खिलौना एकदम। तो आइए, अगर हम लोग कम्युनिकेट डायरेक्ट सीपीयू से करता है वो होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जो डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट्स करने का मतलब बातचीत, उसके बीच में कोई और मेमोरी आ ही नहीं सकता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली सीपीयू इज नोन एज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू से। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन फोर सेमेस्टर से पूछा गया। दोस्त आपको एक चीज बताते चले, फोर सेमेस्टर से भी सवाल पूछे जाएंगे, क्यों? क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 है। 18 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही लाजवाब पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिवर्सल लॉजिक, इसमें से कौन यूनिवर्सल लॉजिक है, यूनिवर्सल लॉजिक इनमें से कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया, पूछा एंड है, गेट की बात कर रहा, लॉजिक गेट की, दूसरा पूछा और है, तीसरा इग्नोर है और लास्ट पूछा आपसे डी की नॉर है। बताओ फटाफट लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके, आप पढ़े हो यूनिवर्सल लॉजिक गेट, सिर्फ यही नहीं पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है बेसिक लॉजिक गेट भी, स्पेशल लॉजिक गेट भी। तो शानदार तरीके से मैं इस चीज को डील करना चाहूंगा यहाँ पे, कि आपसे सिर्फ ये सवाल पूछा, जरूरी नहीं यही हो सके आपसे बेसिक पूछे और स्पेशल भी पूछे। तो आइए, हम लोग अगर लॉजिक गेट की बात करते हैं तो तीन तरह से इसको हमने देखा, बेसिक लॉजिक गेट और इसके अंदर में आया कौन, तो इसके अंदर में आया एंड, इसके अंदर आया और इसके अंदर में आया नॉट, ये तीन चीजें, एंड और नॉट, बेसिक लॉजिक गेट। दूसरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट आया, इसके अंदर क्या आया, तो इसके अंदर आया एंड में नॉट लगा के नैंड, और इसके बाद आया और में नॉट लगा के नोर। तीसरा हमारे पास आया स्पेशल लॉजिक गेट आया, और इसके अंदर हमारे पास क्या आया, तो इग्नोर और आया एक्सनोर, क्या आया, एक्सोर और एक्सनोर। बड़ा ही शानदार, यहां से सवाल पूछता है, आप यहां से स्क्रीनशॉट कर सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो, बेसिक लॉजिक गेट एंड और नॉट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट नैंड नॉर, और यहां से पूछा स्पेशल इग्नोर एक्सनोर। अब क्या बताऊं दोस्त, इसमें से कौन यूनिवर्सल लॉजिक है, एंड नहीं बेसिक है, दूसरा और नहीं
बेसिक गेट है, इग्नोर नहीं स्पेशल है, स्पेशल। और डी नोर, देखो नोर यूनिवर्सल, डी डी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे बात करेंगे, किस पे, 19 नंबर पे। बड़ा ही जोरदार ये सेशन है, बड़ा ही लाजवाब सेशन है। इस सेशन को आप जरूर शेयर कर दो, क्योंकि ये सेशन काफी अहम होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए भी, और आपके सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी। तो आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग धीरे धीरे करके 30 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, इसके बाद ग्रुप बी और सी का भी सवाल देखेंगे। कहता है कि इनमें से कौन यूनिट्स है जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी, इनमें से कौन है जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन है बाइट, ऑप्शन है बाइट, दूसरा ऑप्शन है किलो बाइट, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है एमबी मेगा, और फोर्थ है टीबी टेराबाइट। देखिए दोस्त, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी कौन यूनिट है जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। तो यहां से हम देखें तो बाइट स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसके बाद देखिए किलोबाइट इससे जरूर बड़ा है, एमबी इससे जरूर बड़ा है। जैसे आप जब फोन है, ये क्या है आपका, सोचो ये एंड्रॉइड फोन है यहां पे ऐसे, इसमें आप यहाँ पे स्पीड दिखाता है कि इतना केबी चल रहा है, ठीक। कभी कभी एमबी में चलने लगता है, एकदम नाचने लगता है, अरे अरे एमबी में। फिर क्या होता है, आप अगर ब्रॉडबैंड लगवाते हो, ब्रॉडबैंड जो लगवाते हो केबल फाइबर वाला, तो उसमें और स्पीड है, 10 MB/s, 20 MB/s, 100 MB/s, तो नाचने लगते हो। बाइट से बड़ा है किलोबाइट, इससे बड़ा है मेगाबाइट, पर सबसे बड़ा क्या है, तो मेगाबाइट से भी बड़ा है जीबी, गीगाबाइट। जो बोलते हैं कि 249 का एयरटेल रिचार्ज करवाए तो 1.5 GB/day ऐसे लिखता है, मतलब 1.5 GB/day देगा, क्या देगा, पर डे देगा। अब 1 GB मतलब कितना देगा, तो 1024 MB देगा, तो जीबी बड़ा है, पर जीबी यहां नहीं है। अगर टेराबाइट हटा के यहां जीबी रहता, कभी कभी देता है तो ये बड़ा हो जाता, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ, टेराबाइट, फिर भी बड़ा है क्योंकि जीबी से भी बड़ा है टेराबाइट। तो यहां से डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्या होगा, डी। अगर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी की हम लोग बात करते हैं तो डी टीबी सही आंसर होगा। नेक्स्ट टीबी स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लैपटॉप के अंदर मिलता है, कितना टीबी दिया हुआ है, तो इसका आंसर सही आप नोट कर लो, 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे कुछ लोग कह रहे हैं कि गाना सुनाइए बोरिंग लग रहा है, चलिए सुनाएंगे जरूर। अगला 20 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, आप फटाफट इस लाइव सेशन को जरूर शेयर कर दें, आपको भी फायदा हो, आपके दोस्त भी पढ़े, आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस ही डिजाइन किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, प्लस में आपके सिलेबस से ही सवाल पूछे जाते हैं, ये नहीं कि सिलेबस कुछ और है, पूछा कुछ और जा रहा है, जोरदार है। आप इस सेशन को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनको भी फायदा होते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे हम लोग बात करने आए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी, इनमें से कौन मेमोरी है, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन डू नॉट चेंज विद टाइम, उसका जो कंटेंट है मेमोरी लोकेशन का, मतलब मेमोरी लोकेशन जो है, जैसे यहां पे हम लिखते हैं कि कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन डू नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं कर पाता है कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, तो वह कौन है। ऑप्शन आपके सामने है अस्टैटिक मेमोरी, दूसरा है डायनेमिक मेमोरी, तीसरा है ऑप्शन आपके सामने वो है दोनों, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है
वो है none of this. देखिए अगर कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन डू नॉट चेंज विद टाइम की अगर हम लोग बात करना चाहें तो वह होता है स्टैटिक मेमोरी. क्या होता है स्टैटिक मेमोरी? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका, स्टैटिक मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करेंगे हम लोग. हमें ये जो 30 क्वेश्चन चल रहा है वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का चल रहा है. कितने मार्क्स का? 1. इसके बाद हम लोग ग्रुप बी, इसके बाद हम लोग ग्रुप बी पे बात करेंगे, ग्रुप सी पे बात करेंगे जो कि 4-6 हम लोग लगाएंगे. 1-4-6 हम लोग सेटल्ड होना चाहते हैं. हम सेटल्ड होना चाहते हैं, क्रिटिकल कंडीशन है, हमें मार्क्स को अचीव करने हैं, हमें ज्यादा देर तक क्रीज के ऊपर में जमना है, हमारी आंखें वहां पे जमानी है, तो हमें टाइम देना होगा और वही टाइम आज दे रहे हैं आप. अगर ये जमा के लाइव सेशन में आप अंतिम तक रह जाते हैं तो आप भी मारोगे अर्धशतक से ज्यादा, शतक से कम. क्यों? क्योंकि 70 मार्क्स का ही है, तो आप भी लेके आओगे 67, 68, 69, मतलब इस तरह का आप मार्क्स लेके आओगे. कब? जब आप जमोगे क्रीज के ऊपर, और जमने के लिए आपको टाइम देना होगा, और टाइम देना होगा कहां? तो इसी तरह के लाइव सेशन में आपको बता देते हैं, बिहार में, पूरे भारत में या कहीं भी यूट्यूब चैनल पे कुछ भी लाइव सेशन अगर पॉलिटेक्निक का चल रहा है और प्रीवियस ईयर चल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके वहां जरूर देखना. क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऊपर चल रहा हो यूट्यूब चैनल पे या किसी और यूट्यूब चैनल पे चल रहा हो. तो दोस्त मैं बता देता हूं आप जरूर जाना वहां देखने, आप वहां जरूर टाइम देना, क्योंकि हमें सीखने में कोई बुराई नहीं है. सही सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे और मार्क्स लेके आएंगे, चाहे वह द पॉलिटेक्निक क्लासेस हो या कोई भी और क्लासेस, लेकिन वो हमें प्रीवियस ईयर होना चाहिए, हमारे क्वेश्चंस उसका रिलेशन हमारे सेमेस्टर से होना चाहिए. आप जरूर देखना जाके. नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे बात करते हैं. बड़ा शानदार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फर्स्ट क्वेश्चन सोच सकते हैं, अगर ये पूछ सकता है किसी प्रीवियस ईयर में तो इस बार भी हो सके पूछ दे. पूछा अ पंच कार्ड हैज हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स किसके अंदर पूछा? पंच कार्ड के अंदर पूछा, पंच्ड कार्ड के अंदर पूछा. ऑप्शन आपके सामने दिया कि 12 रोज है जी और 80 कॉलम्स है. दूसरा ऑप्शन दिया आपके सामने कि 12 रोज है और 12 कॉलम्स है. तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया 80 रोज है लेकिन 12 कॉलम है. इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन दिया, कि 10 रोज है, डी 10 रोज है और 80 कॉलम्स है. देखिए दोस्त कसम खाओ कान ऐठो, याद करो पंच कार्ड के अंदर जब भी पूछे तो 12 रोज होता है 80 कॉलम्स. मैट्रिक्स आप लोग पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिविल के साथ पढ़ा होगा तो वहां पे मैट्रिक्स पढ़े होंगे, रो कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको पता है. और पंच कार्ड जिस टाइम आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम बताया गया होगा 12 रोज और 80 कॉलम, 12 रोज एंड 80 कॉलम के साथ पंच कार्ड डिफाइंड है. कौन डिफाइंड है? पंच कार्ड. मतलब पूछेगा कि इन पंच कार्ड हाउ मेनी रोज एंड कॉलम, तो 12 रोज याद रखेंगे और 80 कॉलम्स याद रखेंगे. और अगर आ जाए शॉर्ट नोट्स में कि पंच कार्ड क्या है तो इसको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूरी है. नेक्स्ट 22 पे हम लोग बात करेंगे. बड़ा ही जोरदार है. आप इस लाइव सेशन में हमें यह जरूर बताएं कि आपको ये लाइव सेशन कैसा लग रहा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन हो, किस कॉलेज से हो, ये हमें एक बार जरूर आप कमेंट करके बताएं लाइव चैट बॉक्स में. हमें एनर्जी मिलती है, आपको ये लाइव सेशन कैसा लग रहा है इस चीज पे आप जरूर बताएं. हमें और भी इसमें इंप्रूवमेंट क्या लाना चाहिए ये आप जरूर हमें बताएं, क्योंकि मेरा परिवार धीरे धीरे करके और भी ऊंचाइयों तक जा रहा है. और चूंकि जब तक हम अपने परिवार से सलाह नहीं लेते हैं किसी को काम करने से पहले, और अगर लिया गया सलाह, अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं और हमारे फैमिली सब कोई हमें एडवाइस करते हैं और वह एडवाइस एक एडवाइस में निकल के और सही डायरेक्शन में जाता है तो वो सबसे अच्छा बात होता है. तो आप हमें और भी बताएं कि इस तरह के लाइव सेशन में इंप्रूवमेंट लाने की क्या जरूरत है, किस तरह से और लाइव सेशन को आपके सामने रखा जाए. तो आप जरूर हमें एक बार कमेंट करके बताएं आपको ये लाइव सेशन कैसा लग रहा है. नेक्स्ट
22, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, 22 पूछा ईपी रोम कैन बी, रोम से सवाल ईपी रोम कैन बी, ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम बात करेंगे। ऑप्शन जरा सा देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया यूवी पी रोम, बी ऑप्शन आपके सामने दिया डबल ईपी रोम, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया आइदर ए और बी, डी ऑप्शन आपके सामने दिया नन ऑफ दीज। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जरा सा हम इस पे बात करने से पहले रोम पे बात करते हैं। यहां पे अगर हम लोग देखना चाहें रोम का कॉन्सेप्ट, तो रोम फुल फॉर्म इसका अगर पूछा है कभी, तो इसको लिखेंगे रीड ओनली मेमोरी। क्या लिखेंगे? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है रोम? अब रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी है, ये बताओ वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल? तो देखो ये नॉन वोलाटाइल है। क्या है? नॉन वोलाटाइल है। आप जाके वीडियो देखना, प्लेलिस्ट जाके सर्च करना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का, तो आपको बहुत से डिफरेंसेस दिए गए हैं, वो डिफरेंसेस पूछे जाते हैं दोस्त, इसलिए आप इन चीज पे फोकस करना। नॉन वोलाटाइल है रोम। इसके बाद रोम परमानेंट मेमोरी है। क्या है? परमानेंट मेमोरी है। आपको रोम और रैम में डिफरेंस पूछता है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, पर हम लोग बात करने वाले इसके टाइप्स पे। रोम क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग एम रोम की अगर हम लोग बात करें, मैन्युफैक्चरिंग टाइम का रोम, उसमें जो प्रोग्रामिंग किया जाता है उसको इरेज करना मुश्किल था। इरेज करना मुश्किल क्यों था? जब हम प्रोग्रामिंग मैन्युफैक्चरिंग टाइम में कर दिए, सपोज करो रोम है, अब रोम में हम प्रोग्राम कर दिए, इसको इरेज करना मुश्किल था। तो सबसे पहले तो पी रोम आया, प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, पर इरेज करने की बात आई तो फिर ईपी रोम आया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पर इरेज करे कैसे दोस्त? तो हमारे पास दो टेक्निक आया। पहला आया यूवी पी रोम, दूसरा आया डबल ईपी रोम। तो देखिए हम इरेज कैसे करें किसी भी प्रोग्रामड रोम को, तो प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी प्रोग्रामेबल, तो फिर आया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज कैसे करें आखिर? इरेज तो अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर डबल ईपी वाला आया मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। तो यहां से हम अगर ईपी रोम कैन बी की बात करें तो दोनों होगा आइदर ए और बी, दोनों में से कोई एक, किसी एक से भी हम कर सकते हैं, चाहे अल्ट्रा वायलेट का यूज कर सकते हैं या डबल ईपी का कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 22 का। नेक्स्ट 23 नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट 23 बड़ा ही शानदार ये क्वेश्चन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक से पूछा गया एलईडी इमिट्स लाइट व्हेन इट इज खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स बाइस्ट। ये बड़ा ही लाजवाब सवाल है, पूछा आपसे। ऑप्शन में दिया फॉरवर्ड बाइस्ट, दूसरा रिवर्स बाइस्ट, तीसरा बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन आपसे पूछा है कहा नॉट, नन ऑफ दिस। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है एलईडी इमिट करता है लाइट को किस बाइस्ट में? सबसे पहले अगर हम एलईडी का कॉन्सेप्ट देखें जरा सा, तो इधर में आ जाते हैं। एलईडी से सवाल बहुत बार पूछता है, यहां से सवाल इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि दो चीजें यहां पढ़ने हैं, एलईडी एलसीडी, डिफरेंसेस हमेशा। एलईडी की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब हुआ लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हुआ? लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड जितने भी हैं दोस्त, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस सब मटेरियल से बनाए गए, तो वो लाइट इमिट नहीं करता है। वो इमिट करता है क्या? तो हीट इमिट करता है। लेकिन लाइट इमिटिंग डायोड जो है, यह एक ऐसा स्पेशल पर्पस का डायोड है जो हीट के साथ लाइट को इमिट करता है। लाइट इमिट करने का मतलब स्पेशल तरह के मटेरियल, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, ये सारे मटेरियल से मिलके इसको बनाया गया है।
और यह लाइट इमिशन देता है, यह लाइट इमिशन देता है ओनली फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस कहने का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस्ड कहने का मतलब आप थर्ड सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हो, पी को पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से, फॉरवर्ड, पी को निगेटिव से, एन को पॉजिटिव से, रिवर्स। तो एलईडी को हम कनेक्ट कैसे करते हैं कि वह लाइट इमिट करे, तो एलईडी इमिट्स लाइट्स व्हेन, जब इट इज कनेक्ट फॉरवर्ड बायस, इट इज कनेक्ट फॉरवर्ड बायस नॉट रिवर्स बायस, सो बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट, नन ऑफ दिस नॉट करेक्ट फॉरवर्ड बायस, ए ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड बायस इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड बायस, एलईडी मींस लाइट्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे बात करते हैं, 23 तक हम लोग क्वेश्चंस को लगातार एक जोश के साथ कर रहे हैं और वो जोश आप में कम नहीं होना चाहिए, और आपका कमेंट लाइव चैट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर करते रहो जिससे कि हमें और भी एनर्जी मिले और आपको इस तरह के सेशन को अरेंज करने में हमें और भी मजा आए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर पे बात करेंगे, बड़ा ही जोरदार सेशन है ये दोस्त, आप इसको शेयर एक बार जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर देना। नेक्स्ट 24 नंबर का सवाल बड़ा ही कंफ्यूजेस सवाल है, ये बड़ा ही कंफ्यूजेस सवाल, बड़ा ही जोरदार और कंफ्यूजेस सवाल है, इस चीज को समझने की कोशिश करना है हमें। 24 नंबर का सवाल बोलता है, आप इसमें हमेशा गलत करते हो, एलईडी कंज्यूम्स खाली स्थान पावर देन एलसीडी, पहला ऑप्शन आपके सामने है कमेंट करना, मोर, दूसरा लेस, तीसरा इक्वल, फोर्थ नॉट। बड़ा ही जोरदार सवाल है दोस्त, आप इसको एक बार कमेंट करो, एलईडी कंज्यूम मोर लेस इक्वल नन ऑफ दिस। थोड़ा सा समझते हैं जोरदार तरीके से, ये ऐसा टैबलेट है ना, एंटीबायोटिक, इधर वाला जो पोर्शन है ना दोस्त, एंटीबायोटिक बता रहे हैं, कोई दवाई ले लो एंटीबायोटिक नहीं लोगे आपका तबीयत जल्दी ठीक नहीं होगा, सब चीज पढ़ लो रट लो, एंटीबायोटिक है जिसे आप शॉर्ट नोट्स के नाम से जानते हो, इसको आप अपने नोट कॉपी के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे लिखना, ये नोट कॉपी है इसके ऊपर वाले पोर्शन जहां पे डेट रहता है यहां लिख देना, एंटीबायोटिक काम करेगा फटाफट। आइए एलईडी के बारे में हम अभी देखें, एलसीडी से सवाल क्या पूछता है, एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सबसे शुरुआत सवाल, एलसीडी के अंदर जो लिक्विड यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, न्यूमेटिक लिक्विड का यूज किया जाता है, कसम खाओ याद करो, न्यूमेटिक लिक्विड यूज इन एलसीडी डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में जो लिक्विड का यूज किया जाता है वह किया जाता है न्यूमेटिक, क्या न्यूमेटिक। एलईडी और एलसीडी के बीच का डिफरेंस नोट करना, डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड एलसीडी, कभी कभी लिख देता है 5 बताओ, 6 बताओ, कभी ऐसे ही लिख दिया, 6 मार्क्स का सवाल है, नोट करो एलईडी एंड एलसीडी में अंतर क्या है। आइए अगर हम लोग एलईडी के कंजप्शन पावर की बात करें तो वह ज्यादा करता है, मोर करता है किससे, एलसीडी से। एलईडी और एलसीडी में अगर हम अंतर की बात करें, क्यों ज्यादा एलईडी यूज हो रहा है, क्योंकि एलईडी के अंदर में लाइट सोर्स एक्सटर्नल हमें देने की जरूरत नहीं होती है, लाइट इमिटिंग डायोड उसका एक इंटरनल लाइट रिसोर्स है, उससे से वह लाइट लेता है, लेकिन एलसीडी के अंदर न्यूमेटिक फ्लूड का यूज करते हैं, न्यूमेटिक लिक्विड का यूज करते हैं, लेकिन एलसीडी के अंदर में हमें बाहर से लाइट एक्सटर्नल रिसोर्स लाइट का देना पड़ता है। इसके साथ एलसीडी में पैरेलेक्स एरर आ रहे थे, पैरेलेक्स एरर हम इन फ्रंट देखते थे सही था, अगर ये घड़ी को इधर से देख रहे हैं तो यहां से सुई बड़ा हुआ नजर आएगा, इधर से देख रहे हैं तो इधर बड़ा हुआ आएगा, ये सोहन है देख रहा थोड़ा सा बड़ा हुआ एरर आ गया, इधर से सोहन है, मोहन है बढ़ गया, अब इन फ्रंट देख रहा है रामलाल, इन फ्रंट देख रहा है रामलाल सही है, एलईडी में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी एंगल से देखो उसका सही दिखाई पड़ता है।
इसलिए एलईडी और एलसीडी में ये सब चीजें अंतर है। आज के टाइम में एलईडी का यूज हो रहा है पर वह मोर पावर कंजम्पशन देता है एलसीडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर पे बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर पे बात करेंगे। बड़ा ही शानदार ये सेशन, बड़ा ही शानदार दोस्त, आप इसको शेयर जरूर करो। क्यों? क्योंकि आप शेयर करोगे उसको भी फायदा होगा, आपको भी होगा। तो एक बार और मैं बताता चलूँ, एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम में जितने भी सवाल डिजाइन किए जा रहे हैं उसका सॉफ्ट कॉपी मतलब पीडीएफ आपके द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे उपलब्ध है। आप जरूर जाएं वहाँ से डाउनलोड करें, आप एक 20 रुपया का कॉपी खरीदें और जरूर बना दोस्त एक बार मेरे लिए, क्योंकि हम आपको इतना ज़्यादा मेहनत करके बता रहे हैं यहाँ पे, तो आप मेरे लिए एक बार इतना जरूर कर सकते हैं। और एक काम और कीजिएगा आप, कि आप जितने भी क्वेश्चन ऐप पे प्रेजेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के नाम से उस फोल्डर में, उसको आप जरूर बनाएगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट, एसीएस और डिजिटल तीनों की बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी सर आपके आएंगे, सिग्नल के सर आएंगे, अनुराग सर, उसके बाद अंशु सर आएंगे, आपके चहेते सर माइक्रोवेव, तो वो भी बताएंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ है, कैसे आपको डील करना है। पर मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे हम, आपका हम चाहते हैं मार्क्स बढ़िया आए, इसलिए आप इस चीज को करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट बड़ा ही जोरदार, बड़ा ही जोरदार सवाल, 25वां नंबर दिल खुश कर दिया। 25वां नंबर पूछा सी सी डी स्टैंड्स स्टैंड्स फोर। इसमें क्या ऑप्शन देने की जरूरत है बताओ ना, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा। सीसीडी स्टैंड फोर, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, चार्ज कपल्ड डिवाइसेस। बड़ा ही शानदार है दोस्त, बड़ा ही शानदार है ये चीजें। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 26 की ओर। 26 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा सवाल, 6-7 यूनिट से ज्यादा सवाल, जबरदस्त सवाल आपके लिए, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। 26 कहता है विच डायोड इज यूज्ड, कौन सा डायोड यूज किया जाता है 7 सेगमेंट के अंदर, 7 सेगमेंट, 7 सेगमेंट के अंदर कौन सा डायोड यूज किया जाता है। ऑप्शन दिया है ये दिया है टनल डायोड, दूसरा दिया है ऑप्शन आपके सामने वो दिया है फोटो डायोड, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया है वो दिया है एलईडी, और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिया है जेनर डायोड, जो रिवर्स बायस में काम करता है, स्पेशल पर्पस डिवाइस है। ओके, यहां से आप पढ़ सकते हो, माइक्रोवेव में आपको पढ़ाया गया होगा बड़ा ही जोरदार तरीके से। आइए अगर हम लोग बात करें कि डायोड यूज 7 सेगमेंट, तो 7 सेगमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे देखो 3, 6, 7 यहां देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, यहां से हम लोग 7 सेगमेंट का यूज करते हैं। पर कौन सा डायोड यूज करते हैं, तो हम 7 गो डायोड लगाते हैं, 7 डायोड, और वो भी डायोड लगाते हैं एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का यूज करते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर। सी ऑप्शन, सी इसका सही आंसर होगा। 26 का आंसर कौन होगा, सी एलईडी। 26 का आंसर कौन होगा, सी एलईडी। ये बड़ा ही जोरदार, बड़ा ही जोरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे बात करते हैं, 27 और भी जोरदार क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन हमेशा किए जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो ये कहना क्या चाहता है और इससे आपको होने वाले फायदे क्या हैं। हम लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी पे भी बात कर लेंगे एक बार, जरूर जरूर हम लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी पे बात करेंगे। बड़ा ही लाजवाब वो कॉन्सेप्ट है, किस तरह के क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। मैं ग्रुप बी और ग्रुप सी में डिस्कस करने नहीं आया, मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा कि ये सवाल कहां से पूछा गया, इसको किस तरह से डील करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर का 27। अब हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, हम अपने ग्रुप ए के सारे सवाल डील करने के बहुत करीब में है दोस्त। 27 कहता प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल, वो प्रोसेस बताना है फाइल को कॉपी करने का, किसमें टू अ सीडी रोम, किसमें सीडी रोम के अंदर में हमें कॉपी करने का जो प्रोसेस है फाइल को, इज नोन एज, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है बर्निंग, बर्न
बर्निंग, दूसरा जीपिंग, दूसरा जीपिंग, तीसरा रिपिंग, तीसरा रिपिंग, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है वो है नॉट, हमको नहीं पता, नन ऑफ दिस। अब बताओ सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, कॉपी करना है हमको फाइल को, वो प्रोसेस क्या होता है? बर्निंग। वो प्रोसेस बर्निंग है। आप एक चीज ध्यान रखना, हम बार बार बोलते हैं इस सीडी यहाँ पे जो होल है आप खरीद के लेके आ गए, यहाँ पे देखते हो सिर्फ एक लाइन है नया में, ऐसे करके देखना चमका के। दूसरा आप इसको अपने लैपटॉप में लगाना, लैपी के अंदर लगाना और कोई कॉपी कर देना फाइल को, फोटो मतलब डॉक्यूमेंट या वीडियो सॉन्ग म्यूजिक कुछ भी, तो देखना कि ये लाइनिंग बढ़ जाता है, ये लाइनिंग बढ़ जाता है और ये कॉपी करना, ये कॉपी करना फाइल को किसी भी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के अंदर बर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? बर्निंग। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग 28 पे बात करेंगे, 28 पे हम लोग बात करेंगे एडीडीए से सवाल। 28 सबसे पूछा फास्टेड फास्टेड एडी एडी कन्वर्टर कन्वर्टर इज गिवेन बाय फास्टेड एडी कन्वर्टर पूछा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग फास्टेड एडी कन्वर्टर की बात करते हैं तो कंपेरेटर एडी कन्वर्टर क्या होता है? कंपेरेटर कंपेरेटर एडी कन्वर्टर होता है। क्या होता है? कंपेरेटर एडी कन्वर्टर। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, फ्लैश टाइप भी कह देते हैं, कभी कभी पैरेलल भी बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल एडी कन्वर्टर। तो यहां से कंपेरेटर एडी कन्वर्टर इसका ए, ए ऑप्शन में ही सही आंसर होगा। क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग बात करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। आइए 29 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट यहां से पूछा गया, न्यूमेरिकल पार्ट से सवाल। हाँ यहाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए 27, 28 है, ये 29 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि 4-bit डीए कन्वर्टर है। क्या है? डीए कन्वर्टर है 4-bit का, ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि आउटपुट वोल्टेज, आपके पास आउटपुट वोल्टेज है, मतलब एनालॉग आउटपुट दिया हुआ है जो कि 4 volt है। कितना इनपुट के लिए? तो डिजिटल इनपुट 1000, मतलब इसको हम लिखना चाहें 1 2 4 8 के लिए यहां से। अब पूछता है हमको, पूछता क्या है कि फाइंड करो आउटपुट वोल्टेज, मतलब एनालॉग आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है कि क्या होगा किस इनपुट के लिए। तो पूछ रहा है 0100, मतलब 4 के लिए, 1 2 4 8 इसके लिए। अब देखिए आपको पता होगा, आपको जब बताया जा रहा होगा तो बताया गया होगा कि जो एनालॉग आउटपुट होता है वो बराबर होता है के इंटू डिजिटल इनपुट का। डिजिटल इनपुट का क्यों बराबर होता है के इंटू? तो पूछेगा एनालॉग आउटपुट तो समझ रहे हैं सर, डिजिटल इनपुट भी समझ रहे हैं, पर के क्या है? व्हाट इज के है क्या? तो ये जो के है ना, परसेंट रिजोल्यूशन दिखाता है। यहां से हम अगर इस सवाल से के का वैल्यू निकाल ले, यहां से कुछ भी आ जाए, तो हम आउटपुट वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। इसमें हम चाहेंगे क्या कि मेरा के का वैल्यू है, तो एनालॉग इन आउटपुट मेरे पास कितना था? 4 इक्वल टू के इंटू 8 होगा। इससे हम के का वैल्यू निकाल रहे हैं, यहां से के इक्वल टू 1, के जब आ जाएगा तो इसका आउटपुट निकल जाएगा। 4/8 इक्वल टू के होगा तो 1/2, इसीलिए के का वैल्यू फाइनल 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 के का वैल्यू आया। अब तो बना दोगे यार, के का वैल्यू आ गया यहां से 1/2, आपको इनपुट पता, आउटपुट निकालना है, फिर से लगा दो ना, एनालॉग आउटपुट इक्वल टू के इंटू डिजिटल इनपुट। यहां से जब लगाया तो एनालॉग आउटपुट तो आपको निकालना है, तो इसको लिख देते हैं एनालॉग आउटपुट। K का वैल्यू आपको पता है 1/2 इंटू डिजिटल इनपुट कितना था यहां से 4 के लिए, कितना? 4। तो यहां से करोगे 2 2 जा 4, तो फाइनल आपका एनालॉग जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? 2, लेकिन वोल्ट। कितना आएगा? 2 volt, क्योंकि हम बताए थे डिजिटल इनपुट बिट में होता है, पर अगर हम एनालॉग की बात करते हैं तो वोल्टेज और करंट का फॉर्म में होता है, तो 2 volt। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन हम थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं, ए दिया हुआ था इसका 29 का 0.5 volt, ये नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ था 2 volt, यही तो होगा बी। सी ऑप्शन दिया हुआ था 3 volt और डी दिया हुआ था 4 volt, तो 29 का ऑप्शन बी होगा 2 volt। कैसे बनाएंगे इसको? ऐसे फटाक से दिमाग में सर्च करेंगे वो आ जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 volt। क्या होगा? 2 volt इज द राइट आंसर, मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। लास्ट, बड़ा ही जोरदार
लास्ट इस तरह से हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हैं ग्रुप ए के, ग्रुप ए के 30वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, 30 नंबर क्वेश्चन 30। बड़ा ही शानदार तरीके से ये सेशन चल रहा है, आप इसे जरूर शेयर कर दें, लाइक सब्सक्राइब और लाइव चैट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें, हमें एनर्जी मिले जिससे आपको काफी फायदा हो, हमें एनर्जी मिलते रहे जिससे आपको काफी मजा आने वाला है। तो अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट ग्रुप ए का लास्ट, ग्रुप ए का लास्ट, और आप लोग पानी थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट जरूर रख लें, बीच बीच में खाते रहें, एनर्जी मिलते रहेगा आपको। तो लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा कि इन एन बीट पैरेलल कंपैरेटर, एन बीट का अगर कोई पैरेलल कंपैरेटर है, पैरेलल कंपैरेटर एडी की बात कर रहा है, जिसको हम लोग फ्लैश टाइप के नाम से भी जानते हैं, एडी कन्वर्टर है, कन्वर्टर है, रिक्वायर्स, तो उसको रिक्वायर्स होता है कंपैरेटर्स। बड़ा ही शानदार सवाल है ये, बड़ा ही शानदार सवाल है दोस्त, इसको आप ध्यान से देखना। ऑप्शन आपके पास दिया है 2k power n, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया 2k power n-1, तीसरा दिया है n, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास दिया है नन ऑफ दिस। बड़ा ही शानदार, n बिट पैरेलल कंपैरेटर या हम फ्लैश टाइप की अगर बात कर रहे हैं, तो देखिए n बिट की अगर हम बात कर रहे हैं फ्लैश टाइप में, और अगर आपसे कोई पूछे कि रजिस्टर कितना यूज होगा, रजिस्टर, तो उसको हम क्रैक से जवाब देंगे, बोलेंगे 2k power n। अब कहेगा कि 2k power n है, कभी कभी आपको n बिट ना देके पूछ सकता है 3 बिट का पैरेलल या फ्लैश टाइप कंपैरेटर है तो रजिस्टर बताओ, तो रजिस्टर के लिए तुरंत हम रखेंगे n का वैल्यू 3 है, n बराबर 3, 2k power 3 मतलब 8 रजिस्टर होगा। लेकिन अगर यही n बिट का कंपैरेटर पूछे, क्या पूछे, कंपैरेटर, कंपैरेटर पूछे तो 2k power n तो होता है, पर 1 को हटा देते हैं, मतलब अगर यही पूछता कि 3 बिट है फ्लैश टाइप या पैरेलल कंपैरेटर टाइप, तो बताओ कंपैरेटर कितना होगा, तो 2k power n-1, 2k power 3-1, 8-1, 7 होगा, 7 होगा। लेकिन यहां पूछा कितना है, n बिट पैरेलल कंपैरेटर है, एडी कन्वर्टर रिक्वायर्स कंपैरेटर 2k power n-1, लेकिन रजिस्टर पूछता तो ये हो जाता, रजिस्टर पूछता यहीं पे बदलता कितना रजिस्टर यूज होगा, रजिस्टर तो 2k power n होता, पर पूछा क्या, कंपैरेटर 2k power n-1। बी, 30वां का बी आंसर सही होगा, 30 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जोरदार तरीके से हमने देखा क्या, ग्रुप ए, ग्रुप ए का 30 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन हमने देखा, 30 क्वेश्चन हमने देखा। अब हम लोग चलेंगे ग्रुप बी की ओर, उसके बाद चलेंगे ग्रुप सी की ओर। बड़ा ही शानदार, ये सेशन जरा सा लंबा हो सकता है दोस्त, जरा सा लंबा, आप पेशेंस रखना, क्योंकि इसके पीछे का रीजन भी हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लेके आए हैं, इसलिए क्योंकि एग्जाम के पहले एग्जाम आपको बोर्ड में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा सेशन लंबा है, पेशेंस रखना, जोरदार तरीके से इस सेशन को हम लोग खत्म करेंगे, और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चंस हम लोग ग्रुप ए का हंसते खेलते पढ़ चुके हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी का भी सवाल बहुत कम टाइमों के बाद हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए आइए अब चलते हैं फिर मैनेजमेंट की तरह बड़े स्टेडियम में, और ग्रुप बी और ग्रुप सी की ओर। तो आप अभी तक लाइव हैं, इसके लिए तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और ये आपके लिए सेशन आप शेयर कर दो एक मिनट के अंदर, क्योंकि एक मिनट के अंदर चलेंगे हम लोग बड़े स्टेडियम में। 4 और 6 हम लोग टीक चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि कहां पे बॉल कैसे ये हो रहा है, तो हम लोग उसके बाद अब हम लोग चलेंगे बड़े स्टेडियम की ओर, बी सी 4 6 ग्रुप बी ग्रुप सी 4 और 6 मार्क की ओर। चलिए तो आते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की ओर, तो आइए अब हम लोग चलते हैं बड़े स्टेडियम की ओर, ग्रुप बी और ग्रुप सी की ओर। आइए अब हम लोग चल रहे हैं ग्रुप बी और सी की ओर, ग्रुप बी जिसमें हम लोग 4 मार्क्स पे बात करेंगे, और ग्रुप सी 6 मार्क्स पे हम लोग बात करेंगे। अभी इसके पहले में हमने ग्रुप ए का 30 क्वेश्चन देखा है, तो चलिए फटाफट आप लोग भी बहुत देर से इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, तो पानी उन्हें पी लीजिए सब लोग फटाफट एकदम, और उसके बाद शेयर भी करते रहिए साथ में। हम लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी पे भी बात कर लेंगे, किस तरह से सवाल को लिखना है, क्या कहना चाहता है सवाल, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। तो फटाफट फिर से एक बार आप लोग जितने भी लोग हैं उन सब लोग शेयर कर दीजिए इस लाइव सेशन को,
इस लाइव सेशन को आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दीजिए, हम बी और सी दोनों पे बात करेंगे। और हम लोग चूंकि अब बड़ा नंबर वाला है तो बड़ा सा बोर्ड पे आ चुके हैं, पहले था 1 मार्क्स का तो छोटा बोर्ड पे काम कर रहे थे ग्रुप ए पे, और 30 क्वेश्चंस को लगातार हमने डील किया है। अब यहां से हम लोग ग्रुप बी के अंदर 15 क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक है। इसके बाद यहाँ ग्रुप सी में भी 15 क्वेश्चन देखेंगे, पर यहाँ पे 12 क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके बाद 3 क्वेश्चन हम और लिखेंगे, तो 7 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है, 11 तक देखेंगे हम लोग, 15 क्वेश्चन टोटल। चलिए तो आइए हम ग्रुप बी पे बात करते हैं। ग्रुप बी का सबसे पहला सवाल, एग्जाम के पहले एग्जाम में सबसे पहला सवाल पूछा गया, एक्सप्लेन बाई डायरेक्शनल बफर विथ सुटेबल लॉजिक डायग्राम। देखिए आपका यूनिट 3rd से सवाल है, यूनिट नंबर 3 से सवाल पूछा गया कि बाई डायरेक्शनल बफर क्या है और इसका सुटेबल लॉजिक डायग्राम क्या है। तो हम कल भी बात कर रहे थे, इसके पहले में जो मेरा लाइव सेशन चला था मैनेजमेंट का, उसके बाद एसीएस का चला, उसमें भी अभी शेख सर बात कर रहे थे, लिखने का तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बाई डायरेक्शनल बफर को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, इसको अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे बाई डायरेक्शनल बफर है क्या, इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम उसका लॉजिक डायग्राम बना देंगे और उसके ऑपरेशंस को हम लिखेंगे वहां पे। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपके नोट्स में हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। पहला सवाल यहां से ग्रुप बी के दूसरा में से बाईडायरेक्शनल बफर क्या है, उसका सुटेबल लॉजिक डायग्राम पूछा गया। इसके और में भी एक क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब सेमीकंडक्टर स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी। देखिए जो आप लोग रैम पढ़े हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जिसमें 2 तरह के टाइप्स आपको पढ़ने के लिए मिला था, स्टैटिक और डायनेमिक, तो यहां पे पूछा है कि सेमीकंडक्टर स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस भी आपको बताया गया है। इससे पहले ग्रुप ए में अभी अभी हम जब सोल्यूशन कर रहे थे तो यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM के अंदर एक क्वेश्चन था जिसको आप अभी अभी ग्रुप ए में देखे थे कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर में जो स्टोरेज एलिमेंट के रूप में यूज किया जाता है वो किया जाता है किसका, कैपेसिटर का। किसका किया जाता है, कैपेसिटर का, जो कि स्टोरेज एलिमेंट के रूप में यूज होता है DRAM के अंदर में। ठीक है, तो आप इसको भी यहां से कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी को डिस्क्राइब। देखिए आपको बोर्ड में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम में तो और में एक ही सवाल होता है, पर यहाँ पे 3-3 सवाल रखने के पीछे का रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा जाए, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आप बनाएंगे। हम बार बार एक चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कि आप जाके आज ही जाके 20 रुपए का कॉपी खरीदो, और जितना भी क्वेश्चंस आपके द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे है या एग्जाम के पहले एग्जाम आपको के बाद जो लाइव सेशन अभी दिया जा रहा है इसका क्वेश्चन आप एक बार जरूर बनाओ, उस पे उसके ऊपर उस कॉपी में आप जरूर बनाओ और सबसे पहला पेज पे नोट करके लिख देना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आप जाके उसको बनाओ, आप अंतिम दिन एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले भी एक बार जाके देख लेना उस कॉपी को, क्वेश्चन बैंक जो आप बार बार चिल्लाते हो वो क्वेश्चन बैंक से भी ऊपर होगा। आप उसको सिर्फ एक बार पढ़ के जाना, आपका नोट्स होगा, आप खुद लिखोगे तो वो पूरा क्लियर होगा आपके लिए। आप इस चीज को जरूर करना जाके। हम उम्मीद करते हैं जितने भी लाइव सेशन में जुड़े हुए लोग हैं वे आज 20 रुपए का कॉपी खरीदेंगे और उसके बाद जाके उस पर नोट्स बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। देखिए यहां इतना तो टाइम है ना इस लाइव सेशन के अंदर कि हम फिर से पढ़ाना शुरू कर दे, कि वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर है क्या, उसका सर्किट बनाए फिर एक्सप्लेन करें। ये सारा चीज आपको बताया गया है, जो भी आप कोर्सेज यहां से परचेस किए थे या आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे, यूनिट 2 से सवाल है जो लीनियर एंड नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं उनसे सवाल है, वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर है क्या, इसके सर्किट डायग्राम को बनाइए और इसके ऑपरेशन वर्किंग ऑपरेशंस को आप एक्सप्लेन करिए। यहां से आप कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी अगर सर्किट डायग्राम की बात आती है
उस चीज को मेंशन करना जरूरी है। सबसे पहले इसका आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शंस के साथ फिगर, और देन आफ्टर उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये मेंशन करना जरूरी है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। और आप लोग फिगर को जरूर क्लियर बनाइएगा जिससे कि आपको मार्क्स आसानी से मिल सके, और आप कंस्ट्रक्शंस भी दे, उसका ऑपरेशन भी दे, वो इजी आपको मार्क्स अचीव करने में मदद करेगा। ये दो दूसरा नंबर क्वेश्चन में तीन सवाल पूछा आपसे, तीनों क्वेश्चंस आपको जरूर आप बनाइएगा जाके, हम उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ग्रुप बी का नेक्स्ट सवाल है थ्री नंबर, तीसरा नंबर सवाल है, पूछता है तीसरा नंबर सवाल, स्टेट एंड एक्सप्लेन सैंपलिंग थ्योरम व्हाई इट इज यूज। देखिए सैंपलिंग थ्योरम क्या था, इसका यूज क्यों किया गया, यह सवाल पूछा गया है। तो सैंपलिंग जो कि सैंपलिंग थ्योरम आपका यूनिट नंबर 5 से सवाल है, एडी एंड डीए कन्वर्टर जब आप पढ़ रहे होंगे, एनालॉग से डिजिटल में चेंज करने के लिए हम सैंपलिंग थ्योरम का यूज किए, और इसका यूज क्यों करा तो यहीं तो बताएं, एनालॉग सिग्नल को हम डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज कर रहे थे। तो यहां से आप मेंशन कर सकते हो कि सैंपलिंग थ्योरम क्या है और इसके बाद इसका यूज क्यों किया जाता है, ये यूनिट नंबर 5 से सवाल है। इस चीज को भी आप मेंशन करते रहना कि किस यूनिट से सवाल है, जिससे आपको पढ़ने में वहां पर जिस टाइम नोट्स बनाना शुरू करो 20 रुपए वाला कॉपी में, तब आपको पता चले कि यहां से जल्दी से आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग को अभी तक ये भी नहीं पता है। इसलिए आप इस चीज को क्लियर करो कि ये सवाल आखिर किस यूनिट से है, तब तो पढ़ने में और इजी होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं, यूनिट नंबर 3 से सवाल पूछा रोम क्या है। इससे पहले भी जब हम ग्रुप ए का सवाल करवा रहे थे उस टाइम एक आया था ईपी रोम से, ईपी रोम से क्वेश्चन पूछा था कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में, यहां पे एक सवाल पूछा था, एक सवाल पूछा ईपीरोम से। यहां देखिएगा आप लोग, अभी अभी हम बात किए थे ग्रुप ए के अंदर में, ग्रुप ए के अंदर में अभी अभी हम लोग बात किए थे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ग्रुप ए के अंदर रोम पे हमने अभी अभी एक बात किया था, वहां पे रोम से पूछा ईपीरोम, जब रोम मैन्युफैक्चरिंग किया गया, मतलब एम रोम मैन्युफैक्चर रोम बनाया गया, प्रोग्राम्ड किया गया उसमें, तो उसको इरेज करने की जरूरत पड़ी, इरेज। तो इरेज करने का दो मेथड जो है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में हम बताएं कि अल्ट्रा वायलेट और एक इलेक्ट्रिकल, दो तरह से, ये आइदर ए और बी जिसका ऑप्शन आंसर हो रहा था, क्वेश्चन नंबर आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। तो यहां से पूछा है कि रोम क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। देखिए सबसे पहले रोम को एक्सप्लेन करेंगे, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, पहला नॉन वोलेटाइल है, दूसरा तीसरा परमानेंट मेमोरी है। अब इसमें जो टाइप्स हैं, इसमें जो सब शुरुआती आया तो मैन्युफैक्चर रोम, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसमें प्रोग्राम्ड किए जाने लगे, पी रोम आया, इरेज करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद हम इसके टाइप्स को मेंशन करेंगे। यहां से आपको इजिली 4 मार्क्स मिल सकते हैं, आप इस चीज को मेंशन करें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और आपको बताते चले, हमेशा हमेशा रैम और रोम से सवाल रहता ही है, चूंकि मेमोरी जो दो यूनिट में आपको पढ़ाया गया है 3 और 4 के अंदर बड़ा ही जोरदार है, उससे हमेशा सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इस चीज पे फोकस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अब हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 से फिर से उठाया है, यूनिट नंबर 5 से सवाल है, पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। देखिए डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल आप लोग जान रहे होंगे, डिजिटल को डिस्क्रीट भी बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद पूछा है कि व्हाट इज एडीसी एंड डीएसी। देखिए एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो सबसे पहले आप यहां से डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल को डिफाइन कर देंगे उसके वेवफॉर्म के साथ, और इसके बाद एडीसी एंड डीएसी जो एनालॉग टू डिजिटल, हम इसके टाइप्स को भी यहां मेंशन कर सकते हैं, और डिजिटल टू एनालॉग इतना आपको करना होगा कि एडीसी क्या है, डीएसी क्या है, सबसे पहले डिजिटल और एनालॉग सिग्नल क्या है, और जो हम बदलते हैं एनालॉग से डिजिटल में उससे पहले ही सवाल एक पूछा जो कि आपको अभी-अभी बताया, सैंपलिंग। क्या बताया? सैंपलिंग। तो आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, इस सवाल के अंदर में आपको इजीली 4 मार्क्स मिल सकता है आपको इजीली। लेकिन हम एक चीज और बोलना चाहेंगे, आप बार बार एक गलती करते हो अपने सेमेस्टर के अंदर
कि आप जो पॉइंट जानते हो उसको एक दो लाइन में तो जरूर लिखते हो, बाद में आप घुमाना शुरू करते हो, उसी बात को बार बार घुमाते हो। इस चीज पे जोरदार तरीके से ध्यान देना कि इस चीज पे फोकस करना कि हम वो चीजें सटीक लिखने की कोशिश करें, पॉइंट वाइज लिखें, जिससे आपका मार्क्स इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। मल्टीवाइब्रेटर से क्वेश्चन पूछा गया, कहा कि डिफाइन एंड क्लासिफाई मल्टीवाइब्रेटर एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। देखिए मल्टीवाइब्रेटर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम उसके टाइप को मेंशन कर देंगे, और उस टाइप में भी जो हम बात कर रहे थे अस्टेबल में, इसमें अस्टेबल स्टेट की, ट्रिगरिंग इनपुट की, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि ये जनरेशन क्या करता है, मतलब इटसेल्फ जो स्क्वायर वेव जनरेट करता है, उस तरह से हम इन बातों को मेंशन करके ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि ये 4 मार्क का सवाल है। आपको जब मल्टीवाइब्रेटर से क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाएगा जो अभी हम बात करेंगे, तो मल्टीवाइब्रेटर से डायरेक्ट लिखेगा कि ट्रांजिस्टर बेस्ड आप बाय स्टेबल बनाओ, ए स्टेबल बनाओ या मोनो स्टेबल बनाओ, तो वहां पे हम 6 मार्क में उसका सर्किट बना के सबको एक्सप्लेन करेंगे। अब कभी कभी 555 टाइमर के ब्लॉक डायग्राम से भी सवाल पूछे जाते हैं, 555 टाइमर से, तो उसमें भी हम लोग बात कर चुके हैं। और यहां पर आपको क्वेश्चन देखिए, यहां मेरा मेन मकसद है क्या, क्वेश्चंस को आपको दिखाना, बनाना तो सब आप पढ़े हुए हैं, आपको पढ़ाया गया है, आप खुद इस चीज को ट्राई करो, आप खुद इस चीज को बनाओ। और ऑब्जेक्टिव तो हमने फुल करवाया आपको 30 में 30, और यहां से चूंकि उतना टाइम नहीं है, आप उतना देर लाइव सेशन में भी नहीं रुकोगे, फिर 1-2 क्वेश्चंस पूरा बताना पड़ेगा, तो इसलिए हम इस चीज को बता रहे हैं कि यहां से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंट बिटवीन एलसीडी एंड एलईडी। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस ये हमेशा पूछता है, हम जब ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे एलईडी से सवाल आया था कि एलईडी फॉरवर्ड में काम करता है कि रिवर्स में, एलईडी फॉरवर्ड में काम करता है कि रिवर्स में, वहां बात किए थे फॉरवर्ड रिवर्स में लाइट को इमिट नहीं करेगा। उस टाइम हम बताए थे कि एलसीडी के अंदर में भी कि लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले है इसमें न्यूमेटिक लिक्विड का यूज होता है, फ्लूड, न्यूमेटिक फ्लूड का यूज होता है किसमें, एलसीडी में। और वहीं हम बोले थे कि अगर 4 मार्क्स में पूछा तो आप 5 डिफरेंस लिख देना। कभी कभी यह सवाल 6 मार्क्स में पूछता है और साफ करता है, क्लियर करके लिखता है कि 6 डिफरेंस लिखो, 7 डिफरेंस लिखो, वो आप मेंशन कर सकते हो। यह बड़ा ही जोरदार, ये मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाओ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के जितने भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं वो वीडियो वहां पे है, आप उसको इजिली जाके मतलब देख सकते हो, इजिली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मल्टीवाइब्रेटर से एक क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आपको पूछा कि एन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर R1 का वैल्यू दिया, R2 का वैल्यू दिया और C कैपेसिटर का वैल्यू दिया 0.5 माइक्रोफराइड, कैलकुलेट ऑन ऑफ टाइम। देखिए अस्टेबल जिस टाइम आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, टोटल टाइम, और उसमें टोटल टाइम होता क्या है, जो टी लिखते थे टोटल टाइम, टी ऑन प्लस टी ऑफ टाइम, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। तो यहां से इस न्यूमेरिकल को आप क्लियर कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को आप वहां से जाके क्लियर कर सकते हो। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जिस टाइम हम बता रहे थे, आप जहां भी पढ़े हो वहां से टी इक्वल टू टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम में फॉर्मूला जो आता 0.693 इंटू करके R2C1 वाला, वहां से आप जाके इसको क्लियर करो। ये क्वेश्चंस वहीं से पूछा गया, प्रीवियस ईयर का सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। 5 नंबर एक्सप्लेन मैग्नेटिक बबल डिस्प्ले, ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 का सवाल है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक बबल डिस्प्ले, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक बबल मेमोरी से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इस चीज को आप क्लियर रखना, मैग्नेटिक बबल डिस्प्ले है क्या। दोस्त आपको एक चीज बताते चले कि मेमोरी के अंदर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि थ्योरी पार्ट का है, उस चीज पे आप पकड़ के रखना, उस चीज को आप रिविजन करते रहना, लिखते रहना, जिससे आपको क्लियर हो जाए वो चीजें। नेक्स्ट, What do you mean by punched card and magnetic tape? देखिए ये क्वेश्चंस अगर पूछेगा तो दो पूछा है, पंच्ड कार्ड क्या है और मैग्नेटिक टेप क्या है। यहां तक इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछता है, इस तरह के क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में भी कभी कभी डिजाइन किए जाते हैं, तो हम बोल रहे हैं बार बार मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट को आप क्लियर पकड़ के रखना। पंच्ड कार्ड क्या है, यहां से पूछता है 12 रोज और 80 कॉलम, यहीं से पूछा 12 रोज एंड 80 कॉलम्स,
बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जोरदार है ये चीज। यहां से ये चीजें पूछा, यहां से मैग्नेटिक टेप जो कि सिक्वेंशियल मेमोरी, हम बार बार बात करते थे कि आप कैसेट का नाम सुने होंगे, रील का नाम सुने होंगे, वो स्टोरेज है सिक्वेंशियल। हमें सुनना है कौन सा, हमें सुनना है कौन सा, हमें सुनना है दसवां नंबर, दस गाना है, नाइन्थ नंबर सॉन्ग सुनना है, तो पहले हमें पूरा का पूरा एट तक सुना होगा, देन आफ्टर हमें नाइन सुनाई देगा। सिक्वेंशियल मेमोरी है, यहां से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पहले एग्जाम में पूछे गए, सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड तक भी पूछ सकता है, आपके सेमेस्टर में पूछ सकता है, इस चीज पे आप फोकस करके पढ़ना। नेक्स्ट डिस्कस, आईसी से सवाल है, आईसी 74-139 क्या बताए थे, डीमल्टीप्लेक्सर वाला कॉन्सेप्ट 74-139। इसके बाद पूछा यूवीआरटी क्या है, यूवीआरटी जो पैरेलली डायरेक्ट कनेक्ट करता है सीपीयू को, फिर से सीरियली देता है, फिर से पैरेलली उस साइड से लेता है, यूवीआरटी ये यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर होता है। यूवीआरटी यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर होता है, यहां से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन, कहता है डिस्क्राइब सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। बड़ा ही शानदार, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन क्या है, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन क्या है, बड़ा ही जोरदार तरीके से इस सब क्वेश्चंस को पूछा गया है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के केस में, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के केस में हमारे पास चैनल वन होता है, और हम मल्टीपल डेटा को एक ही चैनल से क्या करते हैं, एक ही चैनल से हम क्या करते हैं कि सेंड करते हैं, मतलब ट्रांसमिट करते हैं। जैसे मैं हम यहां पे क्या किए हैं कि कोई सेंडर है, क्या है यहां पे कोई सेंडर है, हमें डेटा इतना कुछ भेजना है, चैनल मेरे पास एक है ये, और डेटा इधर रिसीवर है, तो इधर रिसीव होगा आरएक्स, रिसीवर रिसीव करेगा तो पहले ये जाएगा यहां तक, इसको रिसीव करेगा, देन आफ्टर ये, फिर ये, फिर ये सीरियल डेटा ट्रांसमिशन है। पर पैरेलल, ये सीरियल है, ये सीरियल है। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के केस में क्या होता था, अगर यही है तो इसके लिए मल्टीपल चैनल होता था, बहुत फास्ट है, ये सेंडर है, यहां से ये ट्रांसमिट कर रहा है, इधर में ये रिसीव कर रहा है, इधर में ट्रांसमिट कर रहा है, इधर में ये रिसीव कर रहा है, अगर तो ये वन के लिए वन तुरंत, बहुत फास्ट होता था पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। तो ये सीरियल पैरेलल आप लोग कर सकते हो सिक्स नंबर क्वेश्चंस को इजीली। सेवन नंबर क्वेश्चन, सॉरी सिक्स का दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन करना रिजोल्यूशन, इसके बाद एक्यूरेसी, स्टेप साइज। ये इसमें देखिए फर्स्ट ये एडीडीए से सवाल है, एडीडीए से सवाल है, यूनिट नंबर फाइव से सवाल है, आप एक्यूरेसी को पढ़े होंगे मेजरमेंट के अंदर में भी, रिजोल्यूशन को आप डिफाइन इजिली कर सकते हो, और स्टेप साइज, स्टेप साइज इसका फिगर हम ऐसे करके देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट। चलिए तो इस सब चीज को आप जरूर डिफाइन करें, डिस्कस करें, आप कॉपी में मेंशन करें, क्योंकि हम यहां क्वेश्चन दिखाने आए हैं दोस्त, हम जब इस चीज को डिस्कस करने लगेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा, और हम वो नहीं चाहते, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, आप उस चीज पे फोकस करो, आप वहां जाके बनाओ। चलिए तो सेशन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, कहां पे हैं, उस चीज को हम बता रहे हैं। सैंपल एंड होल्ड सर्किट, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, ये बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूनिट नंबर फाइव का है। यूनिट नंबर फाइव से पूछा गया कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करना, इसके बाद इसके सर्किट को मेंशन करना, और इसके बाद उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर देना, लिख देना, वो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो टोटल 15 क्वेश्चंस हम ग्रुप ए बी के अंदर, सॉरी ग्रुप बी के अंदर टोटल हमारे पास कितना क्वेश्चन था, 15, जो कि हम अभी देखे हैं, 15 क्वेश्चंस अभी हम लोग देखे हैं, 15 क्वेश्चंस अभी हम ग्रुप बी के अंदर देखे हैं। बड़े ही शानदार तरीका से आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, और समझना पड़ेगा ही, क्योंकि यही चीज आपको सिक्स सेमेस्टर के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आएगा। अगर ये चीज आप करते हो, आप सिर्फ मेरे बाप पे एक बार ट्रस्ट करके देखो, आप एक बार ट्रस्ट करके देखो, आप जाके 20 वाला कॉपी खरीद लेना, और वहां पे सवाल को बनाना, मैं आपसे वादा करता हूं आपका कोई सवाल नहीं छूटने वाला है, क्योंकि बहुत कारगर है ये टेक्निक, बहुत जबरदस्त। आप सोच के देखो कि ये चीजें सही है कि नहीं, आपके पास क्वेश्चंस बैंक के लिए जो चिल्लाते हो वो चीज सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है, दिन रात करके लगी हुई है आपके लिए। हमारा जब लाइव सेशन खत्म होगा,
फिर से कल के लिए कोई लाइव सेशन अरेंज किया जाएगा, चूंकि कल का जो टेस्ट है वो सिग्नल सिस्टम का है। आपको एसबीटी में जैसे टेस्ट होता है उसी तरह से टेस्ट अरेंज किए जा रहे हैं। सिग्नल सिस्टम का टेस्ट है, उसका भी लाइव क्लास चलेगा, आपके लिए लाइव सेशन आ रहा है। तो ये सारे चीज फ्री है। आप एग्जाम के पहले एग्जाम जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का हुआ उसका पीडीएफ जाके कहां देख सकते हो बताओ, कमेंट करो, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करो, कहां देखोगे? तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे, जिसका ऐप का लिंक पिन कर दिया गया, द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऐप का लिंक पिन कर दिया गया है। आप वहां जाओ, जरूर देखो। हमारी टीम पूरी लगन के साथ आपके लिए मेहनत कर रही है, और इसलिए कि आपका नंबर इंक्रीज करे। आपका नंबर इंक्रीज करना ही हमारी सबसे बड़ी मतलब खुशी होगी, हमारा मेहनत कामयाब हो जाएगा। और एक बहुत ट्रेंड में सॉन्ग चल रहा है, एक ट्रेंड में सॉन्ग चल रहा है, उसी पे डेडिकेटेड है, हमने लिखा है आपके लिए। बड़ा देर से सेशन चल रहा है, ये जोरदार सेशन है। आप लोग का प्यार हमें मिला है मैनेजमेंट के अंदर में, कोशिश इसमें भी थी, इसमें भी है कोशिश, आप लोग जोरदार तरीका से शेयर करें इस लाइव सेशन को। एक सॉन्ग आपके लिए डेडिकेटेड, बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है, एक उत्तराखंड के एक लड़का ने गाया था, छोटा सा, बहुत ट्रेंड किया था। उसी पे हमारी टीम जो है, पूरा द पॉलिटेक्निक क्लासेस की जो टीम है, पूरा दिन रात एक करके आपके लिए मेहनत कर रही है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो चीजें हम कह रहे हैं एक बार ट्रस्ट करके देखो, क्योंकि आपका फीडबैक फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे लिए आया था कि यहीं से पढ़े थे सर, वो क्वेश्चन आया था, ऐसे नोट्स था, सब चीज अभिषेक सर अकेले खुद पढ़ाते थे, अकेले, उनका सपोर्टर कोई नहीं था। ACS कल एडवांस कम्युनिकेशन एंड सिस्टम में वाके खुद बोले थे कि अभी तो हम फ्री रहते हैं क्योंकि विराज सर, अंशु सर, अनुराग सर, अनंत सर मिलके हमारा इतना बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा महसूस नहीं होता है कि अब हमारे भी कमी है। पर अभिषेक सर ही एक ऐसा टीचर थे जो खुद अकेले दम पे फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाए थे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते थे, और आज भी हमारे प्रेरणादायक रहे हैं, हमें हमेशा मोटिवेशंस के तौर पे आगे खड़ा मिलते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो। हमेशा वीडियो रिकॉर्ड करना हो, लाइव सेशन चलाना हो, वो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं किस चीज को करने के लिए। आप हमेशा, जरूरत है हर स्टूडेंट को आपकी, जरूरत है हर किसी को आपकी, ये चीजें मोटिवेशन हमें उन्हीं से मिलती है हमेशा। हम फिर से एक बार खुद अभिषेक सर को तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और आप लोग भी लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो फिफ्थ सेमेस्टर में भी अकेले दम पे पढ़ाए थे और सिक्स सेमेस्टर में जो एडवांस पढ़ा रहे हैं, वो कल भी सेशन लिए थे, उनका तबीयत खराब था, फिर भी वो लाइव सेशन लिए, कहा कि नहीं, जब ये एग्जाम के पहले एग्जाम का सोल्यूशन मैनेजमेंट में हमने कहा था कि ACS का भी होगा, डिजिटल का भी होगा, सिग्नल और माइक्रोवेव का भी होगा, तो कहे कि नहीं, वो घर पे थे फिर भी आके आपके लिए लाइव सेशन लिए। जोरदार आपके लिए, उनके लिए एक बार जरूर आप लोग शुक्रिया अदा करिएगा, थैंक यू बोलेगा अभिषेक सर को। चलिए, हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायी रहे हैं, आपके लिए भी जरूर रहे होंगे। एक ट्रेंड कर रहा है द पॉलिटेक्निक का, मेहनत भूल नहीं जाना रे, जितने हम लोग टीचर हैं आपको मिलके पढ़ाते हैं, रोज पसीना बहाते हैं, आप सिर्फ मार्क्स इंक्रीज कर देना रे, द पॉलिटेक्निक का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को हमने काफी जोरदार तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारी पूरी टीम, द पॉलिटेक्निक की पूरी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है, सिर्फ आपका मार्क्स इंक्रीज करें, सिर्फ आपका मार्क्स इंक्रीज करें हम ये चाहते हैं। और कैसे और क्यों करेगा इसका जवाब ये लाइव सेशन दिखा रहा है। चलिए, ग्रुप सी के अंदर 6 मार्क्स का जो सवाल है ग्रुप सी के अंदर, उस पर हम लोग जोरदार तरीके से बात करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए। सबसे पहला सवाल, आर टू आर लैडर यूनिट 5 से ड्रो 3 बिट आर टू आर लैडर
टाइप डीएससी एंड एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल। हम आर2आर को डिफाइंड करेंगे, आर2आर के अंदर आर और टूआर का जो कनेक्शंस है, उसके बाद हम उसका सर्किट डायग्राम वो बनाएंगे, उसके बाद हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे, और उसके बाद जो आउटपुट में हमें मिलता है वो हम वहां से प्रोवाइड कर देंगे। ये आर2आर का लैडर को हम डीएससी को टाइप लैडर टाइप को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं 3 बिट का। नेक्स्ट, सेवन सिगमेंट डिस्प्ले। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक से सवाल, व्हाट इज सेवन सिगमेंट डिस्प्ले? हम बात किए थे एलईडी, जब हम बता रहे थे तो बोले थे सेवन सिगमेंट के अंदर, सेवन सिगमेंट डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर में हम एलईडी का यूज करते हैं। यहां पे ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी, यहां से हम लोग सेवन सेगमेंट डिस्प्ले क्या है उसको डिस्क्राइब करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी मेंशन करेंगे। आपको 6 मार्क्स मिलेगा, मैं ये वादा करता हूं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ वेटेड रजिस्टर डीए कन्वर्टर। देखिए वेटेड रजिस्टर डीए कन्वर्टर, यहां से पूछा है वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर वो क्या है, उसका सर्किट ऑपरेशन हम बनाएंगे, मतलब उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसके ऑपरेशन को एक्सप्लेन कर देंगे। फाइनली उसका जो वी आउट मिलता है माइनस वी रिफरेंस वी नॉट बाई 8, ऐसे ये वाला टर्म को हम मेंशन कर देंगे। यहां तक प्रूफ करके ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको 6 मार्क्स मिलेगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर बेस्ड बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। देखिए अभी हम वही बात कर रहे थे, बोले कि मल्टी वाइब्रेटर के अंदर से जो ट्रांजिस्टर बेस्ड सवाल पूछा जाएगा, अस्टेबल पूछा जाएगा, मोनो अस्टेबल पूछा जाएगा, इसके बाद बाय स्टेबल पूछा जाएगा, बड़ा ही जोरदार है, ये तीनों सवाल पूछे जाते हैं। तो जब भी इस तरह के सवाल आपको 6 मार्क्स में पूछ रहा है तो आप क्या करो, सबसे पहले बाय स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है क्या, दो ट्रिगरिंग पल्स देते हैं, दो अस्टेबल स्टेट इसके अंदर होता है, क्वासी स्टेबल स्टेट 0 होता है। इसके बाद सर्किट डायग्राम हम बताएंगे, उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। सर्किट डायग्राम हम जरूर बनाएंगे जरूर, अब तब कंस्ट्रक्शंस जो हम बनाए हैं उसके बाद उसका ऑपरेशन मेंशन कर देना, 6 मार्क्स जरूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट, एक्सप्लेन सीआरटी कैथोड रे ट्यूब हार्ट ऑफ सीआरओ। सीआरटी क्या है उसको कंस्ट्रक्शन डायग्राम के हेल्प से उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप जो सीआरओ पढ़ रहे हैं उसमें जो हार्ट ऑफ जो सीआरओ बोला जाता है सीआरटी को, कैथोड रे ट्यूब को, यहां से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईसी 555 टाइमर। देखिए फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाना है 555 टाइमर का एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन एज अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। देखो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाना है 555 टाइमर का, उसको ए अस्टेबल ऑपरेशन के केस में, ए अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के केस में इस 555 टाइमर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना। आप इजली कर सकते हो, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाना, अस्टेबल बनाना, इसके ऑपरेशन को क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना। ये सारे चीजें नोट्स में है, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हो, क्योंकि यहां पे बताना इम्पॉसिबल है। अभी इस लाइव सेशन में बताओ 3-4 घंटा का से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बी को सी को सबको ऐड करना, हम दिखाना चाहते हैं ये चीजें कहां है। यूनिट नंबर 1 से सवाल था, यहां यूनिट नंबर 7 से सवाल था, ये यूनिट नंबर 3 से सवाल है, सीआरटी से सवाल है, ट्रांजिस्टर फर्स्ट यूनिट से सवाल है, यहां से ये 5 यूनिट का सवाल है, 7 का है, फिर से यूनिट 5 का सवाल है, ये चीज एक सही है। नेक्स्ट, 9th नंबर, ड्रो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3-बिट पैरेलल कंपैरेटर एडी कन्वर्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। अभी ऑब्जेक्टिव में हम लोग बात किए थे पैरेलल कंपैरेटर के अंदर 2k पावर n रजिस्टर होता है, और 2k पावर n-1 क्या होता है, कंपैरेटर होता है। बड़ा ही शानदार है दोस्त, बड़ा ही लाजवाब, पैरेलल जिसको फ्लैश टाइप के नाम से भी जाना जाता है, यहां पे अगर पैरेलल कंपैरेटर के जगह लिख दे फ्लैश टाइप तो आप टेंशन नहीं लेना, फ्लैश टाइप इज आल्सो नोन एज पैरेलल कंपैरेटर एडी कन्वर्टर। एक्सप्लेन कर देना वर्किंग प्रिंसिपल से इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम बना के। नेक्स्ट, लीनियर एंड नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट। देखिए आपको क्लैंपर क्लिंपर पॉजिटिव निगेटिव कॉम्बिनेशनल बायस सब चीज बताया गया है, वहां से आप लोग लीनियर और नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट को एक्सप्लेन कर सकते हैं इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं यूनिट 2 से सवाल, यूनिट नंबर 2 से सवाल है, ये यूनिट नंबर 5 से सवाल है, बड़ा जोरदार है। नेक्स्ट,
एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ हार्ड डिस्क यूनिट नंबर 3 से हार्ड डिस्क, और ये यूनिट नंबर 3 से भी है, हार्ड डिस्क आपको पढ़ना होता है, यूनिट नंबर 6 में भी हार्ड डिस्क पढ़ना है। हार्ड डिस्क का कंस्ट्रक्शन डायग्राम जो हम कंसेंट्रिक सर्कल में बताए थे, इसमें बताए थे ट्रैक होता है सर, इसमें बताए थे सेक्टर होता है, आप लोग बोल रहे हैं सर, तो ट्रैक और सेक्टर ये दोनों चीजें से, हाँ जो ऑब्जेक्टिव में भी हम करवाए कि ट्रैक एंड सेक्टर रिलेटेड है किससे, तो हार्ड डिस्क से, यहां से हम लोग कंस्ट्रक्शन डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्रैक सेक्टर वाला कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर। नेक्स्ट ड्रो लॉजिक डायग्राम ऑफ 1:4 डीमक्स, 1:4 डीमक्स डी मल्टीप्लेक्सर, कोई बोला कि 4:1 डीमक्स का है नहीं लिखा, बोले अरे ये तो मिस्टेक है महा, क्यों, क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर में वन हम लोग इनपुट देते हैं और मल्टीपल हमें आउटपुट मिलता है, क्या मिलता है मल्टीपल आउटपुट, लेकिन वही मल्टीप्लेक्सर में 4:1 मेनी इनपुट देते हैं, मेनी इनपुट पर हमें मार्क्स में मिलता क्या है वन आउटपुट, ये बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही शानदार, इसको बनाना है ये लॉजिक डायग्राम 1:4 का, और इसका ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ज्यादा जरूरी, आप इसको मेंशन जरूर करना, इस तरह के क्वेश्चंस मार्क्स से भी पूछे जाते हैं, इनकोडर से भी पूछे जाते हैं और डिकोडर से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म रैम, रैम क्या है वोलाटाइल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, दो टाइप है टेम्पोररी मेमोरी है, रोम अभी बताए पी रोम उसका टाइप है, वोलाटाइल मेमोरी क्या है पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद डेटा लॉस कर देता है, वोलाटाइल टेम्पोररी मेमोरी है, इसका एग्जांपल रैम है, एस रैम डी रैम, ये सारा चीज आप मेंशन कर सकते हैं, चार लिखना है, चारों को हम लोग पांच पांच पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे, चार चार पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे, इजिली आपको 6 मार्क्स मिलेगा, बेहिचक बेहिचक आपको 6 मार्क्स मिलेगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। नेक्स्ट व्हाट विल बी द परसेंट रेजोल्यूशन, यूनिट नंबर 5 से सवाल, दोस्त इस तरह के सवाल हमेशा पूछे गए हैं, परसेंट रेजोल्यूशन बताना है, परसेंट रेजोल्यूशन बताना है, बीट दिया रहेगा तो 1/2n-1 × 100 हो जाएगा, यहां से n का वैल्यू 12 बीट है, 16 बीट है, 18 है, 20 है, 24 है, 30, 32, 35, कुछ भी आप यहां पुट करके परसेंट ऑफ रेजोल्यूशन निकाल सकते हो, आपको सिर्फ परसेंट ऑफ रेजोल्यूशन ही नहीं, आपको बताया गया है स्टेप साइज निकालना, आपको बताया गया है फुल स्केल आउटपुट निकालना, यहां से भी सवाल पूछता है, बड़ा ही जोरदार है ये चीज, बड़ा ही जोरदार है ये चीजें पूछी जाती है। अभी हम लोग यहां तक 10 नंबर क्वेश्चन तक देखे, 3 क्वेश्चन हमारे पास और बचा हुआ है, ये देखिए यूनिट नंबर 5 से सवाल है, ये यूनिट नंबर 3-4 से सवाल है, ये भी यूनिट नंबर 3-4 से सवाल है, इसके ऊपर वाला भी 4-6 से भी सवाल था। नेक्स्ट अब हम लोग 11 और लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं, 11th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, स्पेस नहीं होने के कारण मैं इसको तुरंत लिखता हूं, क्या कहता है 11th नंबर क्वेश्चंस में, शॉर्ट नोट्स जरूर होगा 11th में, आप एक बार चेक कर सकते हैं, हम एक बार लिख रहे हैं यहां 11th नंबर क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सीलेटर से सवाल। दोस्त आपको एक चीज बता दूं अभी ही कि 4 सेमेस्टर में जो ऑक्सीलेटर आप लोग पढ़े हैं उस चीज पे भी फोकस करना है, यहां पूछा है व्हाट इज 11th नंबर क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन जरूर देखना, व्हाट इज ब्लॉकिंग, व्हाट इज ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर ड्रो ड्रो इट्स सर्किट, देखिए बड़ा ही जोरदार बड़ा ही जबरदस्त कहता है कि ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर क्या है इसका सर्किट बनाए, आप 4 सेमेस्टर में भी इस चीज को पढ़े होंगे, आप एक बार जरूर चेक करना इस चीज को ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर इसके सर्किट को। दूसरा पूछा है यहां से, दूसरा पूछा है कि एक्सप्लेन और का सवाल है, कहता है एक्सप्लेन 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 द वर्किंग ऑफ वोल्टेज वोल्टेज टाइम बेस जेनरेटर जेनरेटर स्केच स्केच नेसेसरी नेसेसरी वेवफॉर्म। बड़ा ही जोरदार सवाल है ये दोस्त, यूनिट नंबर 2 का ये सवाल है, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है,
करेंट टाइम बेस्ड जनरेटर और वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर से बड़ा ही जोरदार सवाल पूछता है, और इसका स्केचिंग जो करना है वेवफॉर्म को इसको भी, तो आप इस चीज को क्लियर करना, इसके सर्किट डायग्राम को क्लियर करना, ऑपरेशंस को, और स्केचिंग करना है किसको, इसके नेसेसरी वेवफॉर्म को मतलब, तो ये बड़ा ही लाजवाब सवाल है। आप इसको भी जरूर चेक करना, ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर्स को आप वहां से, ये यूनिट नंबर 2 से सवाल है। क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कभी कभी आपके सिलेबस में लिखे हुए नहीं है पर पूछे जाते हैं, जैसे यूनिट 2 के अंदर से क्लिपर क्लैंपर, ये लिखा हुआ नहीं है दोस्त पर पूछा जाता है। इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका और का सवाल है कि शॉर्ट नोट्स किसी 3 पे लिखना है। पहला लिखा हुआ है सिक्वेंशियल सर्किट, पहला लिखा हुआ है सिक्वेंशियल सर्किट, दूसरा लिखा हुआ है डिकोडर, डिकोडर एंड इनकोडर, तीसरा सवाल लिखा हुआ है, देखिए तीसरा शॉर्ट नोट सिर्फ लिखना है करेंट टाइम बेस जेनरेटर, जेनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 4th नंबर, इसमें लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टी वाइब्रेटर, ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टी वाइब्रेटर, और लास्ट इसमें लिखा हुआ है 5वां एलसीडी टीवी एंड एलईडी टीवी। बड़ा ही शानदार है। देखिए दोस्त यहां से मैं एक चीज क्लियर आपको करते चलूं, ये जो इसमें से 3 लिखना है आप तो कोई भी लिख सकते हो, सिक्वेंशियल सर्किट इजी है, डिकोडर इनकोडर इसको एक्सप्लेन करना, आप ट्रुथ टेबल भी मेंशन कर सकते हो, इसके बाद इसका सर्किट डायग्राम भी, इसके बाद करंट टाइम बेस्ड जनरेटर, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का है इसलिए कम लिखेंगे। जब ये क्वेश्चन यहां होता सिर्फ वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर, करंट टाइम बेस्ड जनरेटर, इसका स्केचिंग करना आप इसको इजीली। ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टीवाइब्रेटर में है, मल्टीवाइब्रेटर क्या है, ट्रांजिस्टर बेस्ड जो स्विचिंग ऑपरेशन है कट ऑफ सेचुरेशन का, उसके साथ हम उसके टाइप्स पे बात कर लेंगे, कौन कौन, ए स्टेबल, मोनो स्टेबल, मोनो स्टेबल, और तीसरा बाई स्टेबल। बड़ा ही जोरदार है, बड़ा ही जोरदार ये चीज है, इस चीज को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट एलसीडी टीवी एलईडी टीवी, मैं आपको बताते चलूं, ये ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टीवाइब्रेटर जो कि ग्रुप बी के अंदर भी पूछा गया था, वहां भी हम इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। इसमें से जरूरी नहीं जो क्वेश्चन यहां लिखा गया है, यहां पे जरूरी नहीं जो क्वेश्चन यहां पे लिखा जा रहा है सिर्फ वही यही पूछे शॉर्ट नोट्स के अंदर, नहीं, ये आप गलत फहमी में हो। वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कहां, वो क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स ग्रुप बी के अंदर पूछ सकता है, और अगर उसी में सर्किट डायग्राम और स्केचिंग दिया तो ग्रुप सी के अंदर में भी मेंशन कर सकता है। तो एलसीडी टीवी एलईडी टीवी 4 मार्क्स का भी सवाल बन सकता है, आप इसको इजीली बढ़िया से हैंडल कीजिएगा, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज है, आप इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर जरूर करें। मैं एक बात फिर से आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कि और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जरूर इन सब क्वेश्चंस को अपने कॉपी में एक बार जरूर बनाएं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज आप इसको एक बार जरूर बनाएं। इसके साथ द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे जितने भी पीडीएफ अपलोडेड हैं इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस के नाम से, उस सेक्शन में जाके आप उसको डाउनलोड करो, उसको जरूर बनाओ। अगर कोई भी दिक्कत आए कभी भी, तो आप कॉन्टेक्ट करना 92040 47883, इसको नोट कर लो दोस्त, 92040 47883, 2400 घंटा 7 दिन ये आपके लिए उपलब्ध हैं, आप कभी भी किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको भरपूर हेल्प किया जाएगा। लेकिन मैं फिर से स्पेशली आपके लिए एक बात बोलना चाहूँगा, आप तैयारी करें, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डील करें जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं आप डायरेक्ट सेमेस्टर में नहीं लिख सकते हो, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, और अगर लिख भी सकते हो सेमेस्टर में तो आपके अंदर में हिचक होगी, और हिचक को ख़त्म करने के लिए ही आपको घर से लिखना होगा। कहाँ दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आया, आप एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम में आ नहीं सके, दूर थे, या किसी कारणवश आप यहाँ अटेंड नहीं कर पा रहे हो, जो कर रहे हैं उनसे पूछिए, वो हिचक खत्म होगी उनके अंदर से,
क्योंकि आप एग्जाम के पहले एग्जाम में ये चीज बना रहे हैं, उसके बाद आपको कॉपी मिलेगा, आपको वहां पे कटिंग हुआ कहां पे दिक्कत आ रही है उस चीज को सुधारने की जरूरत है। मैं यहां से बार बार चिल्ला चिल्ला के ये बात बोलना चाह रहा हूं कि आप जाके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डील करो, इससे आपको फायदा होने वाला है और आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। आप जो लिखना चाहते हो वो सटीक लिखोगे वहां पे जाके, ये नहीं कि हम घुमा रहे बात को, वो चीजें गलत हो सकती है, वो चीजें गलत हो जाती है, क्योंकि हमें सटीक आंसर देना होता है। हम अगर सही लिखेंगे लगे कि नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो जान रहा उसके बारे में, तो उसको नंबर देने में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अगर उसके दिमाग में जिस टाइम सस्पेंशन आया वो आपका मार्क्स काट ही देगा। इसलिए इस चीज पे फोकस आप करो कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लिख के डील करें। स्पेशली मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा दोस्त, एक बार मेरे लिए, एक बार द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए, जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं यहां एग्जाम के पहले एग्जाम में, और VBI इंपॉर्टेंट जो आपके लिए फ्री कर दिया गया द पॉलिटेक्निक ऐप पे, प्लीज जाके एक बार बना लेना। आप हंसते आओगे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर, मिलूंगा मैं आपसे जब, तो आप बोलोगे सर जो बोले थे वही हुआ। चलिए, तो बहुत लंबा सेशन हो चुका है, आपका बहुत प्यार मिल रहा है मैनेजमेंट के साथ डिजिटल 2 में भी लाइव सेशन में, आप इतने देर तक ज्वाइन रहे हैं इसके लिए तहे तहे दिल से शुक्रिया हमारे तरफ से भी और द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से भी। तो एट लास्ट फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लाइव सेशन में लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया अदा करती है द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम। तो आज की इस लाइव सेशन में इतना ही, कल फिर से एक लाइव सेशन आएगा एग्जाम के पहले एग्जाम क्वेश्चंस का फुल डिटेल सॉल्यूशन सिग्नल एंड सिस्टम बाय अनुराग सर के साथ। तो आप जरूर आज से ही अपने दोस्तों को बता दीजिए कि कल तैयार रहना, सिग्नल एंड सिस्टम का फुल डिटेल सॉल्यूशन एग्जाम के पहले एग्जाम के क्वेश्चंस का। तो चलिए इसी के साथ हम इस लाइव सेशन को अंतिम चरण में ले जाना चाहेंगे, खत्म करना चाहेंगे, आपसे विदा लेना चाहेंगे। एक बार जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद आप इस लाइव सेशन में अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं। तो चलिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।